क्या आप भी किसी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि इस एग्जाम के लिए सिलेबस को कैसे कंप्लीट किया जाए मेरा नाम अभिषेक है और मैंने के वी एस सी टेट डी एस एस बी ऐसे एग्जाम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है और ये जानता हूँ कि ऐसे एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए कौन सी ट्रिक्स चाहिए और किस तरीके से किस बेस पर हमें सिलेबस को कंप्लीट करना चाहिए तो जुड़े मेरे साथ मेंटल स्टैटिस्टिक्स पर जहाँ पर मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता हूँ और आपके एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट प्रिपरेशन करवाता हूँ नमस्कार साथियों कैसे हैं आप सभी स्वागत करता हूं आप सभी का मिनट स्टैटिस्टिक्स के आपके अपने इस चैनल पर एंड यस वेलकम टू टुडे सेशन आज टेंथ दसवा दिन है हमारी डी ट्रपल एस बी पी आर टी की महा तैयारी का और जिस हिसाब से जिस तेजी से जिस कंप्रिहेंसिवनेस से हम कंसेप्ट कवर कर रहे ये आपकी तरफ से जो इनपुट मिले हैं उसके हिसाब से बड़ा ही सुंदर और अच्छा लगता है दूसरी तरफ आप सभी की तरफ से जो रिव्यूज़ आ रहे हैं जो चीज़ें आप इसको कवर कर रहे हैं आपका जो बेसिक्स जो बन रहा है वो रिव्यूज़ काबिल तारीफ़ हैं और वाकई में मोटिवेटिंग है उससे हमें आगे और भी बढ़िया काम करने का मन कर रहा है और उसी तरीके से हम चीज़ें आगे कर भी रहे हैं आज का जो दिन है इसके अंदर हम आर्ट एजुकेशन वर्क एजुकेशन और हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन आर्ट का जो कल का पार्ट रह गया था और बाकी ये दो सब्जेक्ट्स को आज कवर करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम्स में के लिए इंपॉर्टेंट है आ चुके हैं या फिर जो कि हमको एटलीस्ट पता होने चाहिए इसके बाद अगर कुछ आज थोड़ा बहुत अगर कुछ टॉपिक रह गए होंगे तो उसको हम करेंगे कल संडे को कोई क्लास नहीं होगी संडे क्योंकि कल मेरे कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स एंड फंक्शंस हैं ठीक है तो उसके बाद मंडे को क्लास होगी और होपफुली हम कोशिश करेंगे कि मंडे से हम एम स्टार्ट कर दें मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इन दस दसियों क्लासेस को अच्छे से देखा होगा नहीं भी देखा है तो कल एक प्लेलिस्ट लिस्ट बना करके मैं शेयर कर दूंगा ताकि कल का जो दिन है आप नहीं अगर कोई भी क्लास मिस हो गई तो उसे कवर करके अपने आप को तैयार रखें ताकि आपकी प्रपरेशन जब हो तो उसमें आप ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करें आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को जैसे कि आपको पता है कि आपकी क्लास की जो पी होती हैं वह हर टेलीग्राम पर शेयर हो जाती हैं और ये कह रहे हैं पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें वो बता ठीक है उसकी अलग से स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करेंगे पेपर को कल संडे है अगर समय मिला तो उसको लेकर के भी जो है चर्चा हो जाएगी डोंट वरी सारी चीज़ें आपकी जिस समय जिस चीज़ की जरूरत है उस समय वो चीज़ आपको मिल जाएगी चिंता करने की बात बिल्कुल चिंता करने की बात है नहीं टेलीग्राम से आपको जुड़ना है टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या फिर मेंटल स्टेटिटिक्स ऑफिशियल करके आप पहुंच सकते हैं रिफ्लेक्ट कोर्स से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए रिफ्लेक्ट कोर्स से जुड़ने के लिए आपको मेंटल स्टेटिटिक्स का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और वहाँ पर कोर्स के ऊपर क्लिक करके आपको एड टू काट करके कोर्स के अंदर जुड़ना है आइए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को और कोशिश करेंगे जल्दी से इसको हम कवर करें सर जैसे जैसे पेपर आ रहा है देखो डर इसीलिए लगता है क्योंकि देखो एक डर भी होना चाहिए डर भी आपको पता है वो जो है आपको मोटिवेट करता है तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि अगर आपको किसी चीज़ से डर लगता है अगर डर ही नहीं है तो वो केयरलेसनेस ना आपके नाम का भी एक सिंबल हो सकता है डर एक क्या करता है एक मोटिवेटिंग फैक्टर के रूप में आपकी एक्टिविटीज़ को क्या करता है इनहेंस करता है लेकिन कॉन्फिडेंस पूरा आपके अंदर होना चाहिए डर के साथ डर का मतलब होता है कि एक लेवल तक पहुंचना और जैसी वो चीज़ मिल जाए फिर उसके बाद अब अब लड़ने अब आ जाओ कौन लड़ने वाला है इस तरह की स्थिति होनी चाहिए और ये तब होगा जब आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होगी और आप जिस प्रकार से प्रिपेयर कर रहे हैं आप सभी जिन साथियों ने पूरी मन लगा करके मेहनत करी है सारी चीज़ों को कवर किया है उनको भी डर लगेगा कोई दिक्कत नहीं लेकिन जब पेपर आएगा तो धीरे 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 जैसे पेपर का एंड होगा तो जो है डर ख़त्म होता जाएगा क्योंकि ये एक सिर्फ एग्जाम नहीं है ना ये जो चीज़ आप अटेम्प्ट करेंगे आपका जो शेड्यूल्ड डे होगा वो आपकी किस्मत को डिसाइड करने वाला है तो असल में आपका जो डर है वह डर आपका एग्जाम का डर नहीं है इसको साइकोलॉजी की टर्म में कहते हैं कि आपके बिहेवियर को अफेक्ट करिए आपके कॉग्निशन को अफेक्ट करने वाली चीज़ है रिजल्ट का डर एग्ज़ाम का डर आपको नहीं है कोई भी बच्चा अगर ये सोच रहा है कि हाँ आप मेरे को एग्जाम का डर है तो एग्जाम का डर नहीं है आपको आपको डर है कि एग्ज़ाम में क्या होगा और उसके बाद क्या होगा वो चीज़ सोच सोच के आपको डर लगा कि गलती से फेल हो गए तो तो दुनिया वाले क्या कहेंगे लोग क्या कहेंगे मैं क्या करूंगा ये क्या करूंगा वास्तव में ये चीज़ आपको डर आ रही है ठीक है तो ये आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है आपको पहले भी कहा है अभी भी कहता हूँ कि पूरी मन लगा करके आप मेहनत कीजिए और ये सोचिए कि भाई इसको तो आपको करना ही करना है रिजल्ट की चिंता मत कीजिए अभी सीटेट में बहुत सारे लोग रिजल्ट की चिंता कर रहे थे रिजल्ट को लेकर के हा हू मचाया ठीक है बहुत सारी चीज़ें हुई लेकिन क्या हुआ जो सिस्टम में होता है जो सामान्य तरीका है वही तरीका होगा जबरदस्ती कूदने से कुछ नहीं हो सकता कि रिज़ल्ट अब आएगा तब आएगा बच्चे भी परेशान दुनिया परेशान अरे जब पेपर देना आपकी टेंशन है पेपर देने के बाद आपकी टेंशन नहीं है सारी चीज़ें आराम से होंगी तो आफ्टर रिजल्ट के बारे में मत सोचिए पेपर आपके सामने है उसको अच्छे से अटैम्प्ट कीजिए ठीक है आप पेपर अटैम्प्ट करने के बाद दो बातें हो सकती हैं या तो आप बहुत अच्छे से उसको पास करेंगे या तो पास नहीं करेंगे दोनों ही स्थितियों में आपको लर्निंग इतनी साउंड करनी है क्योंकि ये साल आपको एक और क्योंकि मैंने बोला अपॉर्चुनिटीज का साल है तो आपको एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ पर जो तो साढ़े चार सौ वैकेंसी है वहां पे आपको दो हजार ढाई हजार वैकेंसीज मिलेंगी तो अगर आप यहाँ पर गड़बड़ी कर देते हैं लेकिन सीखते बहुत अच्छा अच्छे से हैं तो वहां पर आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता इसी जोश और उम्मीद के साथ आप पढ़ाई कीजिए और डरिए तो बिल्कुल मत जहाँ आप डरेंगे वहां गड़बड़ हो जाएगी और ये काम डर से काम नहीं चलेगा का। डर को एक मोटिवेशन के रूप में यूज कीजिए ठीक है आर्ट एजुकेशन पर थे आर्ट एजुकेशन में हम चर्चा कर रहे थे पपेट पपेट जो शो होता है वो परफॉर्मिंग आर्ट में है तो कुछ पपेट शो के कुछ पपेट शोज फेमस शोज हैं कहाँ पर होते हैं कैसे होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनता है और आ चुका है जैसे कि ग्लव्स पपेट दस्तानों वाले जो पपेट होते हैं आज सारी चीज़ें इंग्लिश में आएंगी हिंदी में कुछ नहीं है ठीक है क्योंकि आज समय थोड़ा सा कम था इसलिए थोड़ा फास्ट करने के चक्कर में य हो गया है ठीक है लेकिन हिंदी वाले साथियों को दिक्कत कोई नहीं होगी इस चीज़ की मैं पूरी आ, कोशिश करूँगा ग्लव्स पपेट जो हैं वो उत्तर प्रदेश उड़ीसा वेस्ट बंगाल और केरला चार राज्यों में बड़ा पॉपुलर है और कुछ ऐसे स्वांग मतलब उनके कुछ शोज हैं जो बहुत पॉपुलर हैं स्टेट से पॉपुलर हैं उत्तर प्रदेश में राधा कृष्णा का वेस्ट बंगाल में यह है पोवो रामायण एंड महाभारत इस रामायण और महाभारत को प्ले करते हैं इस नाम से नाटक का नाम है पोवो कुत्थू विद दी हेल्प ऑफ पपेट वो इस्तेमाल करते हैं केरला में कठपुतली इसे कठपुतले का मतलब काठ की पुतली धागे के इस्तेमाल से उसको ऐसे करके चलाते हैं आप बचपन में खेल खिलाने वाले आते होंगे एक आता है स्ट्रिंग पपेट ये तो देखो ये वाला जो है पपेट है तो ग्लव पपेट है यानी कि हाथ दस्ताने डाल दिए उससे चला रहे तो यहाँ पर ये कठपुतली भी हाथ से चलाने वाले है दस्ताने वाले फिर एक पपेट आते हैं स्ट्रिंग पपेट जिसके अंदर मतलब धागे लगे होते हैं और ऐसे ऐसे करके कोई नाचता है गाता है ऐसे करके ऊपर कोई छुपा होता है उसके ऊपर चलाते हैं बचपन में आपने टीवी में खूब देखा होगा तो राजस्थान के जो स्ट्रिंग पपेट हैं सबसे ज़्यादा फेमस हैं अगर आप दिल्ली या नॉर्थ या फिर राजस्थान के रहने वाले हैं तो आप शायद ही 90s का कोई बच्चा होगा जिसने ये चीज़ महसूस नहीं करी होगी कि कभी कभी क्या होते थे खेल दिखाने वाले लोग आते थे सांप वाला खेल दिखाने आते थे और ऐसे जादू का खेल दिखाने वाले आते थे तो वैसे ही कठपुतली वाले भी आते थे तो ऐसी स्ट्रिंग से ऐसे डमरू बजाते जाते डर ए जमूरे जमूरे करके ऐसे करके करते थे और नाइन्टीज़ के अगर आप हैं तो आपने इस चीज़ को ज़रूर देखा होगा राजस्थान में तो होता ही है तो कुंडेरी उड़ीसा में गोमबैटा कर्नाटका में बोमा बोमालट्ट और तमिलनाडु में इन चार जगहों पे स्ट्रिंग पपेट काफ़ी फेमस है रॉड पपेट जो है वह वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में फेमस है पेपर में आ सकता है इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़ना जितना आसान है याद रखना थोड़ा मुश्किल है शेडो पपेट हो गया जो ऐसे करके जैसे एक तितली बना दी मतलब जहाँ पे क्या होता है कि एक लाइट सोर्स होता है और सामने पर्दा होता है तो लाइट सोर्स के पीछे जहाँ पर सब छुपे होते हैं वहाँ पर लाइट सोर्स के सामने फिंगर मूवमेंट्स के थ्रू कुत्ता बिल्ली जो भी उनको दिखाना होता है वो थ्रू शेडो स्क्रीन पर पड़ रही होती है और उसके थ्रू जो है हम किसी स्टोरी को डिपिक्ट करें वो शेडो पपेट कहलाता है उड़ीसा केरला आंध्रा कर्नाटका महाराष्ट्र तमिलनाडु इन सब जगह ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी रामायण उड़ीसा में फेमस है केरला में तोला पावा कुत्थु कुत्थू और आंध्रा में है थोलू बोमाटा कर्नाटका में थोलू गोमबायाटा टीम महाभारत एंड लोकल लेजेंड्स महाराष्ट्र वगैरह में मतलब जहाँ पे फेमस है वो चीज़ लिखी हुई है कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स एंड रिलीजेस हैं परफॉर्मिंग आर्ट एंड विजुअल आर्ट्स के ऊपर तो कुछ आ लिखे हुए हैं किसी किसी म्यूजिशियंस आर्टिस्ट के बारे में है तो ये क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस में भी बन जाते हैं और किताब में है इसलिए इसको कवर करना जरूरी है इसमें से एक आधा क्वेश्चन आया भी हुआ है और पढ़ के हम समझते हैं कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन है तो यहाँ से ये सोर्स से क्वेश्चन है जैसे कि ये एन बी तक सिक्स तक आप देखें एन नेशनल बुक ट्रस्ट एन की फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में आ रखी है कि एन की क्या फुल फॉर्म है तो जैसे कुछ बुक्स हैं जैसे कि किंगडम ऑफ ब्लू स्काई जो हम महालक्ष्मी चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी हुई है कोंकणी फोक टेल्स भुवनो जे एफ गोम्स के द्वारा लिखी गई है द जॉय ऑफ क्लासिकल डांसेस इन इंडिया लीला सैमसन के द्वारा तांसेन द मैजिकल म्यूजिशियन अशोक धवर क्रिएटिव ड्रामा एंड पपेट्री इन एजुकेशन मेहर आर कॉन्ट्रैक्टर इन्होंने लिखी है वाट इज ए ट्री मैत्री ने लिखी है सॉरी मर्ती ने लिखी है पपेट्स अनलिमिटेड विद एवरीडे मटेरियल्स वुल्फ अनुष्का रविशंकर इन्होंने किया है तारा बुक्स पब्लिशर्स हैं और इन्होंने है टॉय एंड टेल्स विद एवरीडे मटेरियल ये सुदर्शन काना गीता वुल्फ एंड अनुष्का रविशंकर ने लिखी है को, को पब्लिश है तारा बुक्स का है मास्क एंड परफॉर्मेंस विद एवरीडे मटेरियल्स गीता वुल्फ वी गीता अनुष्का रविशंकर संदीप प्रकाशन है पब्लिशर है ग्लिम्सिस ऑफ इंडियन म्यूजिक गौरी कुप्पू स्वामी एम हरिहरन संदीप प्रकाशन की है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट एल अन्नपूर्णा पब्लिकेशन डिवीजन अ मोमेंट ऑफ लाइफ ये पब्लिशर्स हैं ठीक है अ मोमेंट इन लाइफ अलका रघुवंशी पब्लिकेशन डिवीजन के अंदर टॉकिंग ड्रम एंड अदर स्टोरीज मालिनी सीगल ये कुछ नाम है ध्यान रखेगा इस चीज कवर करना है नॉलेज बेस्ड में पेपर में क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ठीक है ये चीज आपको जरूर कर लीजिएगा कहीं ना कहीं किसी ना किसी में हंड्रेड परसेंट इसमें से क्वेश्चन आएगा एक आता है व्हाट इज आर्ट एक्सपीरियंस इसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन आया था कि वट इज आर्ट एज एक्सपीरियंस इस करके आर्ट आर्ट एज एक्सपीरियंस और एक बार बड़ी लंबी चर्चा हुई थी अपनी कक्षा में ही आर्ट इज एक्सपीरियंस के बारे में कि क्या होता है देखो एक तो होता है आर्ट जिसके अंदर आपने चित्र बना दिया दुनिया देखती है एक आपने नाटक किया कोई गाना गाया कोई कहीं एक्टिंग करी कोई म्यूजिक बजाया दुनिया ने देखा यानी कि एक आर्ट क्रिएटर होता है और एक ऑडियंस होती है यानी कि देर इज ए क्रिएटर एक क्रिएटर होता है और एक होती है खूब सारी ऑडियंस ठीक है क्रिएटर जो है किसी चीज को क्रिएट करता है और ये लोग इसमें से क्या करते हैं इस क्रिएशन का इंजॉयमेंट करते हैं यानी कि ड्राइंग को देख करके पेंटिंग को देख करके स्कल्पचर को देख करके डांस ड्रामा म्यूजिक इनको देख करके ये ऑडियंस इंजॉय करती है ठीक है और एक्टर जो होता है यानी कि जो कलाकार है वो अपनी परफॉर्मेंस को देता है ये तो हो गया आर्ट एजुकेशन या फिर परफॉर्मिंग आर्ट विजुअल आर्ट जो हम करते हैं लेकिन जब हम आर्ट एंड एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो उसमें ये होता है कि जब क्रिएटर अपने काम को खुद एक्सपीरियंस करे यानी कि वह एक्टिंग करते हुए खुद अपने आप को अपने आप इन्जॉय कर रहा है उस चीज़ को उस चीज़ में मगन है उस काम को इन्जॉय कर रहा है तो वह हो जाती है आर्ट एक्सपीरियंस यानी कि इस टाइम पे जैसे कि मैं अब मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ और पढ़ा तो क्या रहा हूँ आप सभी भावी शिक्षक हैं यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ और आप उस चीज़ को कवर अप कर रहे हैं तो यहाँ पर जो भी मैं बता रहा हूँ आप उस चीज़ को सुन रहे हैं ऐसी स्थिति में दो बातें हो सकती है मैं यहाँ पर एक क्रिएटर के रूप में या फिर एक स्पीकर के रूप में बात कह कर रहा हूँ और आप मेरी बात को सुन रहे हैं यहाँ पर मेरा काम सिर्फ डिलीवरी का है आपका काम सिर्फ आपका काम यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का है क्योंकि इस कंसेप्ट का आपको मैं अगर इस टॉपिक को पढ़ा करके अगर आज इसको मैं भूल जाऊँ इसके बारे में ना सोचूँ तो भी मेरी सेहत पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन आपको इस चीज़ को पढ़ के आपको समझना है ठीक है क्योंकि आप, आपको एग्ज़ाम देना है तो यहाँ पर आप ऑडियंस हैं लेकिन इस टाइम पे जब मैं इस क्लास को कर रहा हूं ऐसी स्थिति में अगर मैं इस चीज को इंजॉय करूँ अपने काम को टीचिंग को एन्जॉय करूँ तो यह चीज हो जाएगी आर्ट एक्सपीरियंस यानी कि जब जो क्रिएटर है वह अपने काम को करते वक्त इन प्रोसेस एंजॉय करता है तो वह चीज आर्ट इज एक्सपीरियंस के अंदर आ जाती है वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर लिखा हुआ है कि असेसमेंट के लिए कौन कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स हैं तो ऑब्जर्वेशन शेड्यूल डिस्प्ले हो गया रेटिंग स्केल्स हो गई कुछ डिस्प्लेस हो गई दो बार लिखा हुआ एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स हो गए चेकलिस्ट पोर्टफोलियो इन सब के थ्रू क्या कर सकते हैं हम किसी बच्चे के काम को क्या कर सकते हैं असेस कर सकते हैं ये सारी चीज़ें क्या होती है डिटेल में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कई बार इसके नाम आएंगे अब आ जाते हैं हम हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन पे ठीक है अब दूसरा सब्जेक्ट आ गया अपना आर्ट एजुकेशन यहाँ होता है कंप्लीट हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो उसके डेफिनेशन को समझते हैं कि हेल्थ इज दी लेवल ऑफ फंक्शनल एंड मेटाबॉलिक एफिशिएंसी जो मेटाबॉलिक एफिशिएंसी है किसी भी ऑर्गेनिज्म की किसी भी जीवित इंसान की बोथ दी माइक्रो एंड मैक्रो मैक्रो सेलुलर लेवल पर और मैक्रो सोशल लेवल पर किसी व्यक्ति की जो मेटाबॉलिक एफिशिएंसी है उसको हम हेल्थ कह सकते कि आप कितना बढ़िया काम कर पा रहे कितने अच्छे तरीके से काम कर पा रहे हैं काम किस तरीके का हो रहा है वो नहीं आप कितने तरीके से आप उसके अंदर जो है विलफुल उसके अंदर इंडल्ज हो पा रहे हैं वो आपकी हेल्थ होगी जैसे कई बार क्या है कि आप कोई काम करना चाहते लेकिन आपको थकान हो जा रही है या फिर आप कर नहीं पा रहे हैं या फिर आपको पेट दर्द हो जा रहा है सर दर्द हो जा रहा है आपको कोई बुखार है जिस कारण आप उसमें कंसनट्रेट नहीं कर पा रहे मतलब कितना ज़्यादा मेटाबॉलिक आपका शारीरिक मेटाबॉलिज्म है वह कितना सपोर्ट कर रहा है वह आपके हेल्थ पॉइंट को डिनोट करता है कोई बहुत थोड़ा कर पाएगा कोई बहुत ज्यादा कर पाएगा जो ज्यादा कर पाएगा वो ज्यादा हेल्दी है जब हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारी बीमारी से संबंधित होता है हेल्थ के काफी डायमेंशन है जैसे कि फिजिकल हेल्थ हो गया इमोशनल हेल्थ हो गया मेंटल हेल्थ हो गया सोशल हेल्थ हो गया स्पिरिचुअल हेल्थ हो गई कल हम चर्चा कर रहे थे गर्ल एजुकेशन की बात कर रहे थे और हमने डिस्कस किया था ना ट्वेंटी नाइन मिनट्स में एक रेप होता है पढ़ा था ना हमने कल एकदम से वही होता है कि चीजें बहुत ही ज्यादा लिंक्ड होती हैं तो कल एकदम से मौका मिला तो आफ्टर क्लास जैसे कि आपको पता है कि मैं आफ्टर द क्लास तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना बहुत पसंद करता हूं क्योंकि साढ़े आठ बजे आता है लेकिन बाद में देखता हूं लेकिन जब मैं वो देख रहा था तो उसके बाद एक मेरे पा एक ऐड आ गई जिसके अंदर अर्थ थर्सडे मूवी जो अभी यामी गौतम की रिलीज हुई है उसके बारे में था और कल वो रिलीज भी हुई थी तो भाई हमने हॉटस्टार अपना ओपन किया टी वी और देखा कि अर्थ थर्सडे आ रही तो हमने देखा क्योंकि थ्रिलर मूवी थी और अ वेडनसडे मूवी एक ये बहुत ही ज़बरदस्त मूवी थी उसका एक्सपीरियंस भी था तो लगा कि चलो देखते हैं तो जब अर्थ थर्सडे मूवी देखी तो हाफ के बाद पता चल गया कि भाई ये तो अपने इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ है जो हमने पढ़ाया था तो जो फिल्म एंड हुई तो उसमें लिखा हुआ था कि जब तक आपने ये फिल्म देखी है इंडिया में आठ लड़कियों का रेप हो चुका है ऐसा उसमें लिखा आया हालांकि वो फैक्ट कितना सच है मैं नहीं बता सकता और बाकी उसके अंदर मोलेस्टेशन इंक्लूडेड है या फिर कंप्लीट रेप की उन्होंने बात करी लेकिन अगर उस हिसाब से वो टू आवर्स में अगर आठ रेप बता रहे तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो कितने हो गए आधे ये आधे ये घंटे में एक रेप बता रहा है और ये आधे घंटे में दो रेप बता रहे हैं दो रेप बता रहे हैं तो ऐसे में तो भैया दिक्कत थोड़ी सी बढ़ी है कारण कई है ये 2005 का फैक्ट था 2005 में जितने रेप केसेस आते थे उसमें से बहुत सारी चीजें जो हैं रिपोर्ट नहीं होती थी आजकल रिपोर्टिंग बढ़ गई है तो ये मैंने आपको अपडेट कर दिया है कि हाँ इसमें जो है थोड़ी दिक्कत है सिविरिटी बढ़ी है सोशल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ ये कुछ स्वास्थ्य के कुछ आयाम हैं इन आयामों पे ध्यान देना ज़रूरी है ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से बहुत ही अच्छा बहुत ही मजबूत दिख रहा है तो वो अंदर से भी बहुत ज़्यादा मजबूत है ऐसा जरूरी नहीं है ऐसा भ्रम है हमारे समाज में फैला हुआ कि अगर शारीरिक रूप से कोई बहुत ही बलवान हष्ट पुष्ट चौड़ा आपको दिखाई दे रहा है तो आपको लगेगा कि भैया तो बहुत ही हेल्दी ऐसा नहीं है ऐसा कई बार बहुत सारे लोगों के साथ आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ही हेल्दी लोग एकदम से कुछ छोटी सी चीज़ होती है और वो चल बसते हैं ऐसा होता है ऐसा क्यूं? क्यों क्योंकि वो इंटरनली परेशान होते हैं तो ऐसे में हेल्थ के कई सारे आयाम हैं हर एक चीज दूसरे चीज़ को अफेक्ट करती है दैट इज़ वाई ये कंप्लीटली जो हेल्थ का जो परस्पेक्टिव है वो इंटीग्रेटेड रहता है क्या होता है इंटीग्रेटेड और इंटर रिलेटेड होता है एक साथ होता है और एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है जहां पर अगर एक आयाम में कोई दिक्कत हुई तो दूसरे आयाम में दिक्कत होगी तो इसके बेसिस पर क्वेश्चन बनते हैं अब लिखा हुआ है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं शिक्षा बहुत ही आपको लगेगा शिक्षा से हेल्थ का क्या संबंध है बिल्कुल संबंध है शिक्षा आपको जितनी आपकी शिक्षा जितनी बढ़िया होगी जितनी ज्यादा आपको नॉलेज होगी आपका खान पान उसी हिसाब से होगा आपका व्यायाम उसी हिसाब से होगा हालांकि अगर हेल्थ इंडेक्स में देखें तो इंडिया बहुत ही पीछे है और चाह कर भी चीज़ों को नहीं कर पाता और लेज़ी इंडेक्स में बहुत ज़्यादा आगे है इसलिए इंडिया में जो लोग हैं हेल्दी बहुत कम होते हैं और दूसरा खाने पीने के रूप में भी पूरे वर्ल्ड में फ़ेमस है भारत का खान पान और मसाले बहुत ज़्यादा फेमस है इसके लिए हेल्थ हजार्ट जो हैं इंडिया में बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन अगर शिक्षा आपके पास है तो हाँ खाओ पियो मौज करो लेकिन उसके हिसाब से अगर आपको पता है कि किस समय किस तरह का भोजन करना चाहिए तो आप अपनी बॉडी पे कंट्रोल और बेहतरीन तरीके से अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं और उसको आगे लेके बढ़ सकते हैं तो एजुकेशन का है आपको कैसा इन्वामेंट मिलता है गंदा है स्वच्छ है बायोलॉजी किस तरह की ज, जीन्स कैसे आपको मिले हैं कैसा आपका कल्चर है ठीक है जेंडर कैसा है लिंग क्या है आपका लिंग का भी हेल्थ पे जो है फर्क पड़ता है जेंडर यहाँ पे जेंडर का आपको पता है ये सोशल कंस्ट्रक्ट है लड़का और लड़की तो लड़का लड़की को लेकर के भाई उनकी स्थितियां कैसे हैं उन स्थितियों की, का भी प्रभाव पड़ता है और बायोलॉजी की बात करें तो सेक्स की बात करें तो उसका भी प्रभाव पड़ता है लड़का या लड़की का भी प्रभाव पड़ता है इनकम एंड सोशल स्टेटस आपकी कितनी इनकम है कैसा पैसा कितना पैसा है आपके पास वह भी आपके हेल्थ को डिनोट करता है आपको कि किस जगह आप काम करते हैं वहाँ का कल्चर भी डिनोट करता है कैसी हेल्थ केयर सर्विसेज आपको मिलती है इसका भी इम्पोर्टेंस है और चाइल्ड डेवलपमेंट किस प्रकार का है उसका भी प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है इसमें किसी में भी कमी आ गई तो आ, ये आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी हेल्दी स्कूलफुल इन्वायरमेंट जो होता है उसमें कौन कौन सी बातें होती हैं पीने का साफ पानी साफ़ टॉयलेट सेफ फूड हाथ धोने की फैसिलिटी ड्रेनेज पानी निकलने की व्यवस्था रिफ्यूज डिस्पोजेबल का इस्तेमाल कम से कम घर कमरे के अंदर लाइट की व्यवस्था वेंटिलेशन हवा पास हो उसकी व्यवस्था बैठने की सही व्यवस्था और कंड्यूसिव इन्वायरमेंट जो कंड्यूसिव इन्वायरमेंट होता है अब आप देखेंगे कि जैसे कंड्यूसिव और सोशल इन्वायरमेंट जो होता है बच्चे को सोशल मेंटल हेल्थ को प्रभावित करता है सिटिंग अरेंजमेंट जो है ये फिजिकल यानी कि जो पोस्चर्स होते हैं उनको प्रभावित करता है वेंटिलेशन भी फिजिकल को लाइटिंग भी फिजिकल को और ये सारे उस वाले इन्वायरमेंट में है कि भाई गंदगी वगैरह उन सब से ये संबंधित है हेल्दी इंस्ट्रक्शंस के अंदर हम कुछ बातें करते हैं जैसे फूड एंड बैलेंस डाइट डाइट के बारे में हमको जानना चाहिए कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में जानना चाहिए पोस्चर्स और हेल्दी हैबिट्स के बारे में पता होना चाहिए हेल्दी हैबिट्स तो ज़्यादातर हम लोग जानते ही हैं लेकिन ऊपर की बातों के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन अभी हम डिटेल में करेंगे जैसे कि बैलेंस्ड डाइट बैलेंसड डाइट भारत आपको पता है बैलेंसड डाइट तो क्या माल न्यूट्रिशन में भी पूरे दुनिया में नंबर वन पर तो नहीं लेकिन काफ़ी उतनी अच्छी स्थिति में भी नहीं आता जो अधिकतर अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनका नाम माल न्यूट्रिशन में सबसे नंबर वन पर आता है हंगर हंगर इंडेक्स में काफ़ी ऊपर आता है लेकिन अभी काफ़ी निराशाजनक स्थिति आई थी कोविड के टाइम पे जब भारत का नाम टॉप टेन में था आई थिंक टॉप टेन या कुछ ऐसे नंबर पे हंगर इंडेक्स में भारत का नाम आया था कि भूखे भूख से तड़प रहे लोगों में भारत का नाम था ऐसा जहाँ पर फूड ग्रेन्स इतने ज़्यादा हो रहे हो इतनी बड़ी जमीन हो इतनी जो देश एक कृषि प्रधान देश है अगर वो हंगर इंडेक्स में अगर ऊपर की संख्या में वो झलक रहा है तो ये काफ़ी निराशाजनक स्थिति है इसके ऊपर काफ़ी क्रिटिसाइज भी हुई थी बातें तो जहाँ पर जो देश माल न्यूट्रिशन से ग्रसित हो वहाँ बैलेंस डाइट तो बहुत ही बड़ी बात है मुझे याद है जब हम आ, छोटे थे तो हमारी फाइनेंशियल स्थितियाँ मतलब उतनी ज़्यादा साउंड नहीं थी तो जैसे कि बैलेंस डाइट हम स्कूल में पढ़ा तो करते थे कि जैसे आ, मतलब बैलेंस डाइट में दाल होती है रोटी चावल और बहुत फ्रूट्स होते हैं मीट होता है दूध होता है बहुत सारी चीज़ें होती थी बहुत सारी चीज़ें होती है हम देखते देखा करते थे कि भाई मम्मी पापा इससे किसी के पापा आ रहे हैं तो घर से फ्रूट्स ला रहे हैं कोई दूध ला रहे ऐसे इस तरह की चीज़ें देखा करते थे तो ऐसा लगता था कि यार हमारे घर में ऐसा क्यों नहीं आता और हमारे घर में वही रोटी और सब्जी और चावल दाल बस इतना ही चलता था और इसके ऊपर सारा काम हो जाता था स्कूल में जब बैलेंस डाइट पढ़ते थे तो हमको हमारे लिए ख्वाब होता था हमें ऐसा लगता था कि अगर महीने में या दो महीने में किसी दिन एक कभी कोई फल खा लिया तो वो हमारे लिए एक फेस्टिवल टाइप होता था या तो घर में कोई मेहमान आ गया तो उसके लिए कहीं थोड़े बहुत फल आ जाते थे तो वो थोड़ा बहुत हम खा लेते थे या दूध चाय में ही हल्का फुल्का मिल जाता था वो भी कई बार पाउडर कच्चे पाउडर के दूध की जो चाय होती है वह बनाने की स्थिति थी तो ऐसे में मैं जब पर्सनली अपने बचपन को याद करता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि बैलेंस डाइट तो दूर की बात है माल न्यूट्रीशन की अवस्था से ही बच्चा बाहर निकल जाए यही हमारे देश में कई सारे बच्चों का क्या होता है सौभाग्य होता है आज जब मैं बच्चों को देखता हूँ तो उनमें मैं अपना बचपन ढूंढने की कोशिश करता हूँ ऐसा कई सारे पेरेंट्स अवेयर होते हैं कम होता है लेकिन कोशिश करते हैं हालांकि कई बार फाइनेंशियल स्थितियाँ इन सब चीज़ों की इजाज़त नहीं देती लेकिन अगर मैं जब मैं बच्चों को देखता हूँ ऑब्ज़र्व करता हूँ एलिड क्लास मिडल क्लास के लोग तो फिर भी कर लेते हैं लोअर क्लास बी के जो क्लास है वहाँ पर आज भी ऐसी स्थितियाँ हैं एक बार मैं एक बच्चे से मिला और मैंने महसूस किया कि वह बच्चा हर रोज सुबह आता था और कहता था कि सर आई वांट टू गो टू टॉयलेट सर आई वांट टू गो टू टॉयलेट सर आई वांट टू गो एवरी मॉर्निंग ही उज टू से दैट उसे टॉयलेट जाना है मैंने कुछ दिन नोट दिनो, कुछ दिनों के बाद ऑब्जर्व किया और मैंने महसूस किया कि ये लड़का हर रोज फर्स्ट पीरियड में टॉयलेट करने क्यों जाता है मैंने उससे बातचीत करी एक दिन मैंने उसको अपने कॉन्फिडेंस में लिया और बात करी कि क्या दिक्कत है कोई समस्या है आप हर रोज सुबह सुबह मतलब क्यों जाते हो टॉयलेट तब उसने जो बताया मतलब मेरी उस समय मैं एकदम हिल गया तो पता चला कि भाई वो स्लम्स में रहते हैं और जैसे कि झुग्गीज़ टाइप होते हैं झुग्गीज़ में रहते हैं तो वहाँ पे उनके अपने कोई टॉयलेट नहीं होते तो वहाँ पे उनके जो कम्युनिटी टॉयलेट्स होते हैं मोबाइल टॉयलेट्स होते हैं देखो कहीं दूर दराज के इलाके में तो भाई चलो खेत वेत या फिर ऐसे मिलता है तो ओपन डिफिकेशन शो शौचालय कर लेते हैं बाहर लेकिन शहरों में क्या होता है कि इतनी ओपन डिफिकेशन का कोई स्पेस नहीं है कहाँ बाहर शौच कर नहीं सकते घर में टॉयलेट है नहीं तो ऐसे में मोबाइल टॉयलेट या कम्युनिटी टॉयलेट की व्यवस्था की जाती है कि पूरे कॉलोनी पूरे स्लम के लिए बाहर एक टॉयलेट बना दिया जाता है उसके अंदर टॉयलेट करने जाते हैं लाइन लगी रहती है लंबी लंबी तो सुबह सुबह बच्चे स्कूल आएंगे या टॉयलेट का इंतजार करेंगे छोटे छोटे बच्चे भी उनकी नींद भी पूरी होनी है तो मम्मी पापा क्या करते हैं उसको नहला देते हैं सुबह सुबह ब्रश वगैरह करा के नहला करके स्कूल भेज देते हैं और कहते हैं कि स्कूल में जाना और स्कूल में जा कर के टॉयलेट कर लेना तो इस तरह इन तरीकों से एक बच्चा आपकी कक्षा में जब आप एक सरकारी अध्यापक बनेंगे तो आप ऐसे बच्चों के साथ डील करेंगे ऐसे बच्चे आपके सामने होंगे तो आप समझिए अगर वो बच्चा आपकी क्लास में शोर मचा रहा होगा या फिर क्लास में अटेंटिव नहीं होगा और आप कहेंगे कि ये बच्चा पढ़ाई में गड़बड़ है तो दिक्कत है सबसे पहले तो उसको समझना इंपॉर्टेंट है तभी जा करके आप अपनी कुछ एक्टिविटीज़ या फिर आप अपनी बात प्लान कर पाएंगे एक तरफ आप कहते हैं कि इस बच्चे के पास कलर नहीं है पेंसिल नहीं है ये नहीं है वो नहीं है दूसरी तरफ बेचारे ने बेचारे को अभी पोटी करने के लिए उसके पास घर में टॉयलेट नहीं है तो पहले वो होगा या ये होगा तो ऐसी स्थितियों से गुजर करके बच्चे जो हैं आपकी कक्षाओं में आते हैं तो ऐसे में जब आप उनकी बातों को बढ़िया तरीके से नहीं समझेंगे साइकोलॉजी की चीज़ों को अच्छे तरीके से कवर नहीं कर पाएंगे तब तक आप एक बेहतर शिक्षक नहीं कहलाएंगे और यकीन मानिए ये सब करने के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आप सामान्य तरीके से भी किसी कक्षा में जाएंगे बच्चों से बात करेंगे अपने आप ही आपकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी और ना चाहते हुए भी, भी सारे काम अपने आप होंगे ठीक है मैं ये नहीं कहता कि भाई आप जाओ दिन भर सुबह से लेकर रात तक आपको पढ़ाना होता है नहीं टीचिंग इज नॉट द थिंग विच यू नीड टू तो डू एवरी टाइम पढ़ाना हर समय का काम नहीं होता आपको एक्सपीरियंस देना काम है एंड दैट इज व्हाट द लर्निंग बेस्ड एजुकेशन सिस्टम इज एंड दैट इज वॉट द कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव इज थियरी कॉल्स अबाउट। तो बैलेंस डाइट के बारे में बात कर रहा था एक बैलेंस डाइट का मतलब है कि एक इस तरह का भोजन जो कि हर तरह के न्यूट्रेंट को कवर करता हो हमारी उम्र के अनुसार जिस उम्र में हम रहते हैं कई बार कोई बच्चा बचपन में बहुत मोटा होता है तो हम कहते हैं कि वो बहुत ही हेल्दी है वो भी हेल्दी नहीं है वो ओबीज ओबीसीटी की कैटेगरी में आता है मोटापा और बहुत स्किनी बहुत सूखे बच्चे होते हैं दो वक्त की रोटी उनको मुश्किल से नहीं मिल पाती वो माल न्यूट्रिशन ओवर ओवर न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन ये दोनों ही बहुत बड़ी समस्या है बैलेंस का मतलब एकदम स्वास्थ्य स्वस्थ शरीर होना चाहिए और उसके लिए भोजन पे हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है तो ऐसा कोई एक सिंगल भोजन नहीं है जिसको आप खा करके हर तरह के न्यूट्रिएंट्स को कवर कर पाएं इसलिए बहुत सारी चीज़ें आपको लेनी पड़ती हैं जिसमें जैसे दूध हो गया और उसके अंदर जैसे विटामिन हो गए कार्बोहाइड्रेट हो गया फैट हो गया इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है और ये वाला जो पोर्शन है आपके जनरल साइंस का पोर्शन है और जीके का पोर्शन है जिसको आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं तो वहीं से इस चीज़ को लिंक कर लीजिएगा कर लीजिएगा इसलिए वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है कुछ फैक्टर्स हैं जो कि डाइट को कि आपको क्या भोजन करना चाहिए कुछ फैक्टर्स हैं जो इस चीज को डिसाइड करते हैं आपकी एज सेक्स और बॉडी साइज यानी कि आपकी उम्र कितनी है उम्र के हिसाब से भोजन बदलता है ठीक है अलग तरीके से भोजन चाहिए होता है आ, सेक्स लिंग के हिसाब से लड़का और लड़की जैसे लड़की है लड़की का मेंस्ट्रुअल साइकिल हर महीने चलता है मासिक धर्म चलता है तो ब्लड का बहुत ज़्यादा लॉस होता है तो इसके कारण उनका जो फूडिंग स्टाइल होता है बिल्कुल अलग है बाकी सेक्स रिलेटेड लिंग आधारित अगर आप देखेंगे तो कैलोरीज के अंदर कंपैरेटिवली क्योंकि हमने सोशल स्टेटस में पढ़ा हुआ है कि जो मेन है वह स्ट्रॉन्गर है और ये ब्यूटीफुल है इस तरीके से कल हमने डिस्कस भी किया था तो ऐसे में जो करेंट स्टेटस है उसके हिसाब से हाई कैलरी जो फूड है जो मेल को रिकमेंड किया जाता है ज्यादा कैलरीज एज कम्पेयर टू वीमेंस ऐसे कई तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है भी है कि हमारे इंडिया का क्या स्टेटस है और फिर होता है बॉडी भाई ज्यादा बड़ा शरीर है तो ज्यादा भोजन चाहिए कम है तो उसके हिसाब से ईटिंग हैबिट्स एंड सोशल कस्टम्स की आप किस तरीके से भोजन करते हैं और आपके सामाजिक दस्तूर क्या है कुछ लोगों का होता है भाई खाना खाएंगे तो छप्पन भोग एक साथ जब तक नहीं होगा तब तक नहीं खा सकते कुछ लोग दाल रोटी में ही संतुष्ट रहते हैं एक, एक फल खा लिया या फिर दूध पी लिया इतने में ही वो उनका काम चल जाता है क्लाइमेटिक फैक्टर किस तरह की आपकी क्लाइमेट है इस चीज़ को लेकर तो हमने बहुत ज़्यादा सीखा है के में जब थे तो पूरा देखा कि किस तरीके से अलग अलग स्टेट का ईटिंग कल्चर है तो जैसे आप अगर नॉर्थ बेल्ट में देखेंगे तो राजस्थान हरियाणा उत्तर प्रदेश का जो मतलब जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है उसके अंदर आप देखेंगे कि रोटी का चलन बहुत ज़्यादा है दिन भर रोटी खाएंगे दिन में भी रोटी रात को भी रोटी एक मेरा दोस्त था राजस्थान का तो उसने एक दिन एक किलो चावल खरीदे तो बड़ी और ब्रांडेड चावल खरीदे तो कहते हैं ये एक किलो चावल मेरा एक महीना चलेगा मैंने कहा यार ऐसे कैसे खाते हो चावल तो थोड़ा थोड़ा कभी कभी खा लेते हैं तो वैसे चावल खाते हैं लेकिन अगर वही आप ईस्टर्न इंडिया और साउथर्न इंडिया की तरफ चले जाएंगे ईस्ट में देखेंगे तो बिना चावल के काम चलेगा नहीं वहाँ रोटी करने वाला उनसे गटकना बड़ा मुश्किल होता है साउथ में टीचर्स कहा करते थे कि आप लोग रोटी कैसे निकल जाते हो तो क्लाइमेटिक कल्चर भी होता है किस तरह की वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं उस हिसाब से हेल्थ स्टेटस एंड ग्रोथ और दूसरा है साइकोलॉजिकल फैक्टर कि आपका दिमाग किस तरीके से काम करता है ठीक है इसके बाद हेल्थ के अंदर यह अगला टॉपिक आता है डिजीजेस यानी कि बीमारियां इसके बारे में भी पता होना जरूरी है कि डिजीज के अंदर भी मेनली स्कूल लेवल पे नॉर्मल डिजीज के बारे में ही चर्चा होती है और डिजीज़ में भी दो होते कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता जानकारी होना जरूरी है जो कि हम अलग जन, जो जनरल साइंस है उसमें कवर करते हैं लेकिन जो कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं उसके बारे में पता होना जरूरी है क्योंकि बच्चे क्लासरूम में बैठते हैं एक दूसरे से मिलते हैं तो ऐसे में अगर हमारी क्लास में कोई बच्चा कम्युनिकेबल डिजीज से ग्रसित है तो वह दूसरे व्यक्ति को या पूरी कक्षा को कंटामिनेट कर सकता है तो ऐसे में इस चीज़ के प्रति प्रोएक्टिव होना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो सबसे पहले समझते हैं डिजीज क्या है डिजीज क्या है एक स्थिति है डिसकम्फर्ट की यानी कि जब आप अपने आप को एक सही अवस्था में नहीं पाते हैं वह स्थिति एक डिजीज की अवस्था कहलाती है जब आपकी जो सामान्य फंक्शनिंग है आपकी बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाए तो ऐसी स्थिति को हम कहेंगे कि आप डिजीज की स्थिति में हैं कुछ कॉमन डिजीजेस हैं जैसे कि मलेरिया टाइफाइड चिकन पॉक्स आई फ्लू ये सारी चीजें अब हम बात करते हैं कि कम्युनिकेबल डिजीज जो होते हैं यानी कि जो फैल जाते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जैसे कि कोविड है कोविड भी एक कम्युनिकेबल डिजीज है तो कॉज ऑफ स्प्रेड क्या है कि, कि किस तरीके से ये जो है स्प्रेड होता है जैसे कि हवा के थ्रू जैसे कि आप हवा में जैसे आपने खांस दिया और सामने वो है तो थ्रू एयर वायरसेस जो है वो आ, सामने वाला उसको रिसीव कर सकता है वाटर पानी के थ्रू फूड जैसे कि इबोला वायरस था पानी के थ्रू खूब बढ़ा था भोजन के थ्रू और फिर है कॉन्टैक्ट टच के थ्रू तो ये कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू बढ़ सकता है वी नो दैट जर्म्स आर प्रेजेंट everywhere अराउंड एंड दे कैन स्प्रेड थ्रू फोर मोड्स तो कुछ समझ, कुछ समझ में आ गया फूड एंड वाटर एयर contact और इंसेक्ट भी एक बड़ी दिक्कत है इंसेक्ट के साथ दिक्कत क्या है कि बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो कि कुछ वायरसेस को कैरी कर रहे होते हैं जैसे कि मान लो एक infected मॉस्किटो है वो खुद एक वायरस को कैरी कर रहा है ठीक है और वो जाकर के कि किसी इंसान को काट लेता है तो वो वायरस वहां से वहां ट्रांसफर हो जाता है और इंसेक्ट्स कई सारे जो है डिजीजेस को कैरी कराते हैं जैसे कि बारिश का टाइम होता है तो कहते हैं कि इस समय जो एडीज़ मच्छर होता है उससे बच के रहना चाहिए हमें तो नहीं पता कौन सा मच्छर कैसा है तो हमको लगभग सभी मच्छरों से बचने की हिदायत दी जाती है और कहा जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न करे कि कहीं पर भी कोई मच्छर पैदा ना हो तो ऐसी स्थिति में कीड़े मकोड़े भी जो होते हैं कई सारी बीमारियों को फैलाते हैं कई बार क्या होता है कि कुछ आपको काट लेते हैं कुछ भोजन को जाके टेस्ट कर लेते हैं वहाँ पर चले जाते हैं तो इससे भी जो है कंटामिनेशन हो जाता है अब जैसे कुछ बीमारियां हैं इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मैं दे देता हूँ हालांकि जनरल साइंस में आपको डिटेल में कवर करना है तो स्मॉल पॉक्स एक बीमारी है छोटा चेचक कहते हैं इसको एयर डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू होता है सिम्टम में आपको बीमारी आपको बुखार होगा सिर में दर्द उल्टी रैशिज पड़ जाएंगे शरीर पर एंटीबॉडी प्रोडक्शन एंटीबॉडी यानी कि आपको यहाँ पे वैक्सीन लगेगी उसके बाद एंटीबॉडी प्रोडक्शन होंगे और आप फिर ठीक होंगे आइसोलेशन के थ्रू और सही दवाई के थ्रू आप यहाँ पर ठीक हो सकते हैं चिकन पॉक्स चिकन पॉक्स जो होता है हवा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के थ्रू इसमें भी यही सारी चीज़ें होंगी दर्द होगा बुखार होगा फीवर की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे शिवरिंग थरथराहट होगी रैशिश सेंसरी नर्व रूट्स में दिक्कत होगी एंटीबॉडी प्रोटेक्शन और वही वैक्सीन चलेगा और दवाई से आप ठीक होंगे मीजल्स इसके अंदर हो गया एयर यही सारी चीज़ें हैं इसके अंदर ये सारी दिक्कतें हैं फीवर कप टिपिकल रैशिश वैक्सीन और दवाई से आप ठीक होंगे वूपिंग कप ये भी इसी तरीके से हवा कम्युनिकेबल है तो वही सारी चीजें होंगी यहां पर माइल्ड फीवर आपको बुखार होगा और इरिटेटिंग कफ होगा जल्दी पता चल जाना और डीपीटी इम्यूनाइजेशन होता है मतलब ये भी वैक्सीन से ही ठीक होगा क्योंकि इन सब का इलाज ढूंढ लिया गया है ट्यूबोकोलोसिस टी कहते हैं जिसको ए, इसके अंदर कफ एंड फीवर होगा बी वैक्सीनेशन का कोर्स चलता है इसके अंदर और इसके थ्रू जो है ट्यूबोकोलोसिस ठीक होता है अब बात करते हैं पोस्चर्स की हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में पोस्चर का भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल है जिसके ऊपर प्रकोशन आते हैं और कुछ आ, कुछ जो है यहाँ पर टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल हो जाता है पोस्चर का मतलब होता है कि आपकी पोजीशन क्या है आपकी स्थिति क्या है खड़े रहने की क्या स्थिति है जैसे कि हम खड़े ऐसे भी रह सकते हैं कुछ लोग ऐसे जैसे आपने वो देखा होगा तारक मेहता उल्टा चश्मा में जो बागेश्वर बागा है वो कुछ इस तरीके से खड़ा रहता है कुछ ऐसे झुक के खड़े रहते हैं तो यानी कि जब हम पोस्चर्स की बात करते हैं तो दो कैटेगरीज बनती है एक बनता है गुड पोस्चर और एक बनता है बैड पोस्चर तो हमको ये समझना है कि गुड पोस्चर और बैड पोस्चर क्या होता है और उसको अटैम्प्ट करना है सबसे पहली चीज़ यह आपकी खुद के सेहत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और आमतौर पर कुछ कुछ लोगों के साथ दिक्कत क्या होती है आ, आम आमतौर पर जो सबसे ज़्यादा फैला हुआ बैड पोस्चर है वो है आपकी रीढ़ की हड्डी का मुड़ जाना आम तौर पर 90 परसेंट जो 90 परसेंट से भी ज्यादा जो भारतीय हैं वो जब उनकी जो रीढ़ की जो हड्डी होती है वो लगभग हल्की फुल्की बेंट होती है जैसे हम हम ऐसे खड़े रहते हैं तो हम नॉर्मली ऐसे थोड़ा रिलैक्स मोड पे ऐसे रहना पसंद करते हैं लेकिन एक स्थिति इरेक्ट वाली पोजिशन होती है जहाँ पे अपनी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो सीधी होती है आमतौर पर हम सभी ऐसा रिलैक्स मोड पर ऐसे रहना पसंद करते हैं जहाँ पे ये थोड़ा सा झुका -सा, सा रहता है झुकी सी रहती है बॉडी लेकिन ये बैड पोस्चर के अंदर काउंट होती है मैंने पहले ही बताया कि इंडिया हेल्थ इंडेक्स में काफ़ी पीछे है इसी का ये रीज़न है लेकिन ये चीज़ हमको सुधारनी है चलो हम इस चीज़ से ग्रसित हैं आपका परिवार आप इससे ग्रसित हो सकते लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी भी इससे ग्रसित हो ऐसा ज़रूरी नहीं है हमारे साथ ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें सही समय पर सही ट्रेनिंग नहीं दी गई लेकिन आपकी क्लास में जो बच्चे बैठे हुए हैं वो भी उसी फेज से गुजरेंगे वो भी ऐसे करके बैठेंगे लेकिन हमको वहाँ पे पोस्चर उनका ठीक कराना है तो जब तक हमें खुद नहीं पता होगा हम तो जिस तरीके से जी रहे हमको लगेगा यही सही है तो हमें पता होना चाहिए वट इज़ बैड पोस्चर वट इज़ गुड पोस्चर और ये सारी चीज़ें हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में आती है ताकि बच्चा इस चीज़ को देखे समझे और अपनी लाइफ में उसको उतारे ठीक है पोस्चर हो गया समझ में आ गया अब करते आगे कुछ बेसिक पोस्चर्स तीन केसेस में पोस्चर्स को हमें समझना होता है कि स्टैंडिंग सिटिंग और लाइंग, खड़े कैसे हैं बैठना कैसे बैठते वक्त कुछ लोग ऐसे बैठते हैं जैसे मेरा भी सिटिंग पोस्चर बहुत ज़्यादा ख़राब है सिटिंग पोजिशन कुर्सीियों पर ऐसे होता है कि जैसे मैं आधा लेटा हुआ हूँ इस तरीके का पोस्चर होता है आम तौर पर जो कि एक बैड पोस्चर में काउंट होगा लेकिन वही आदत से मजबूर लाइन का मतलब हुआ है लेटने की पोजीशन कुछ लोग लेटते हैं तो मतलब ऐसे ऐसे करके लेटते हैं अलग अलग तरह के लेटने का अपना तरीका है उसमें भी सही तरीक़ा क्या होना चाहिए कैसे करवट लेना है कैसे बैठना है तकिए की पोजिशन कहाँ है ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम से थोड़ी बहुत मिसिंग है और जो अब आप पढ़ ही लोगे पढ़ लिया बहुत कुछ इंग्लिश मैथ कर लिया लेकिन आपकी हेल्थ ही ठीक नहीं है तो आपका कैसे काम चलेगा और हमको ये पहले से पता है कि जब हमने डेवलपमेंट पढ़ा है तो डेवलपमेंट के प्रिंसिपल में इंटर रिलेशन पढ़ा है और हमको पता है कि बच्चे की अगर हेल्थ ठीक नहीं है तो बच्चे को अफेक्ट करती है हेल्थ जो है इमोशनली भी बच्चे को अफेक्ट करती है बच्चा अगर कोई हेल्दी नहीं है आपने टी वी पहले मैं बहुत ही मोटा था तो सब मेरे को चिढ़ाते थे लड़कियाँ मुझको भैया भैया छोटा जब छोटी हाइट थी तो छोटा भैया छोटा भैया करते थे

इसके अंदर जो नॉर्मल कन्वेक्सिटी होती है उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है अमाउंट जो इट इंक्रीजिज द अमाउंट ऑफ कन्वेक्सिटी में थोड़ा सा दिक्कत है क्योर क्या है कि जो एक्सटेंसर मसल्स हैं उनके ऊपर थोड़ा सा मजबूती लाएंगे तब ये ठीक होगा दूसरा है लॉडोसिस इज इट इंक्रीजिज द अमाउंट ऑफ नॉर्मल कॉन्केविटी ऑफ द लुम्बार रीजन इन द स्पाइन स्पाइन के अंदर थोड़ी सी दिक्कत है कोर के इट कैन बी क्योर्ड बाय डेवलपिंग स्ट्रेंथ इन एबडोम एबडोमिनल मसल को, को मजबूत करके हम इसको ठीक कर सकते हैं एक है स्कॉलियोसिस ये जो साइड वर्ड डिविएशन ऑफ द स्पाइन ये है कि जैसे जैसे पुष्पराज का जो है थोड़ा सा ऐसे इस तरीके से है तो वो इसी का शिकार है मतलब ये स्टाइल नहीं है ये एक बैड पोस्चर है जो कि एक बीमारी का रूप धारण कर चुकी है फ्लैट फुट एकदम मतलब चपटा पैर है पैर है मतलब पैर पूरा का पूरा ऐसे जमीन पे ऐसे आ जाता है तो इसकी प्रॉब्लम क्या होती है कि इससे हम बहुत जल्दी थकान महसूस करते हैं मतलब पैर जो है बिल्कुल ऐसे है ठीक है ऐसे करके मतलब पूरा का पूरा पैर पे टिका हुआ है वो होता क्या है कि हमारी हमारे पैर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है उंगलियाँ होती हैं फिर इस तरीके से फिर अंदर से ऐसे फिर ऐसे करके होता है यानी कि इधर हमारी एरिया होती हैं और इधर का एरिया खाली होता है तो ये चीज़ और ये चीज़ मिलके एक स्प्रिंग का काम करती है जो कि हमारे बॉडी को बैलेंस और जो झटके होते हैं उस चीज़ को संभालने में मदद करती है लेकिन फ्लैट फुट होता है तो पूरा वजन ऐसे धप से पड़ता है और बॉडी उसको नहीं संभाल पाती इसके कारण थकान और दिक्कतें ज़्यादा होती हैं तो वो फ्लैट फुट की समस्या है ठीक है ये तब हो सकता है टोस को राइज करके क्लाइंबिंग स्टेयर्स इस तरीके से ठीक होगी और नी नॉक का मतलब होता है जब पैर आपस में ऐसे घुटने जो होते हैं आपस में मुड़े हुए होते हैं तो ये एक बड़ी समस्या होती है तो इसके अंदर वुडन कर्व कर लो सिटअप्स कर लो वी शेप बना लो इस तरीके से या फिर सोते वक्त बीच में पैर के बीच में तकिया रखो तो उससे ये ठीक हो जाता है अब आता है स्कूल हेल्थ सर्विसेज स्कूल के अंदर भी कुछ हेल्थ सर्विसेज हमको डालनी होती है इसके ऊपर पेपर में खूब क्वेश्चन आते हैं तो स्कूल हेल्थ सर्विसेज में क्या है देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ कि अभी जैसे हम करते हैं मुझे याद है एक थोड़ा सा मैं महसूस करता हूँ कि जब अभी जो फर्स्ट क्लास हुई थी तो उसके अंदर बच्चों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा था उनको शायद ऐसा हमारी दिक्कत क्या है कि हम क्या करते हैं प्रियोरिटाइज़ कर देते हैं कि ये चीज़ पढ़नी है और हमारी एक साथ साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम क्या है कि जो चीज़ हमको आती है ना उस चीज़ को जानना हमको बहुत अच्छा लगता है हमको ऐसा लगता है कि जो डी ट्रिप्लेसमेंट का जो सेकेंड पार्ट है वो सिर्फ सी डी पी चाइल्ड डेवलपमेंट उसके अंदर है और वही खाली पियाजे वेगोर्ट्स की उससे ज्यादा कुछ नहीं है उतना पढ़ के नाइनटी नाइन नाइन्टी एट परसेंट बच्चे और कुछ नाइन्टी एट क्या बोल रहा हूँ नाइन्टी परसेंट बच्चे और कुछ नहीं पढ़ते ठीक है लेकिन रियल पढ़ाई जब आपको पता है पैटर्न के हिसाब से क्या है तो ये सारी चीजें पढ़ते वक्त हमको पता है क्या लगता है एक हमारी टेंडेंसी है कि ये पढ़ के आपको अधिकतर बच्चों को महसूस होगा ये सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे तो सब तो हम सबको आता है और इन्हीं चीज़ों में आप पेपर में गलती भी करते हैं राइट इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ हालांकि यहाँ पे बच्चों का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है इससे मुझे महसूस हो रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है या इससे पहले जो कुछ एक बार टॉपिक हुआ है आपको लग रहा होगा शायद ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जो भी बच्चे इस सेशंस को अटेंड कर रहे हैं जब वो पेपर देंगे तब वो समझ पाएंगे कि ये जो हमने किया है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और बाकी जो 90 परसेंट बच्चे हैं जो इन क्लासेस को अटेंड नहीं करेंगे वो जिंदगी भर इसी कंफ्यूजन में रहेंगे कि उनका एग्जाम पास क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि तो वो वो चीज़ पढ़ ही नहीं रहे और वही चीज़ को बार बार पढ़ रहे हैं जिस चीज़ की एग्जाम में कोई जरूरत नहीं या फिर पूरे एग्ज़ाम का टेन ट्वेंटी कवर करता है तो आप सब जो भी इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं ध्यान रखिएगा ऑल दीज थिंग्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट इसमें से कोई चीज़ के लिए बहुत कॉमन हो सकती है लेकिन क्वेश्चन स्पेसिफिकली कैसे भी पूछा जा सकता है और हंड्रेड परसेंट इन है स्कूल स्कूल में पूरा हाइट वेट सब देखा जाता है वैक्सीन कराई जाती है फ्री में दवाइयां होती हैं न्यूट्रिशन काउंसलिंग आजकल होती है, है दांतों का चेकअप आई चेकअप ये सारी चीजें आजकल स्कूल में होने लगी हैं क्यों ताकि हमारा बच्चा हेल्दी हो और एक हमने पढ़ा था कल अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड अर्ली इंटरवेंशन पढ़ा था ना अर्ली आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि अगर बचपन में ही किसी समस्या के बारे में पता चल जाए भाई आगे ठीक हो सकता है ना पता चले हमारी क्लास में कोई पाँच पाँच पा, हम सेकेंड क्लास में किसी बच्चे को पढ़ा रहे और एक बच्चा काम पे ध्यान ही नहीं देता हमको लग रहा ब, बड़ा लापरवाह है हमें लगा कि इसको कोई दिक्कत थोड़ी होगी अभी तो बच्चा ऐसे ही अभी क्या दिक्कत होगी जब चेकअप करवाया तो पता चला कि उसको आई आई में प्रॉब्लम है तब तो समझ में आएगा कि भाई इसके साथ ये दिक्कत है अर्ली आइडेंटिफिकेशन अभी इलाज कराएंगे तो जल्दी ठीक होगा तो ये सारी चीज़ें पहले नहीं हुआ करती थी लेकिन पिछले कुछ मैं मानूंगा कि कितने दस बारह साल से ये सारी चीज़ें इंक्लूड हुई हैं हमारे सिस्टम के अंदर और बहुत ही बढ़िया तरीक़े और ये बहुत ही बढ़िया चीज़ें हैं कुछ इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी ये भी हेल्थ से जुड़ा हुआ है जिसके अंदर फिजिकल डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट मेंटल मेंटल और इमोशन और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ये जो पहले पढ़ा था वही है लेकिन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट और पर्सनैटी का मतलब क्या है कि हमारी जो पर्सनैलिटी होती है वो इन सब से जुड़ी होती है आपका जो व्यक्तित्व है वो इन सब का सम्मेलन है कैसी आप कैसा आपका हेल्थ है मैंने आपको बताया अगर मान लो एक बंदा है दो लोग हैं एक की हाइट बहुत छोटी है और एक की हाइट बहुत बहुत, बहुत, बहुत बड़ी है और एक है जो कि बढ़िया हाइट है जिसकी तो ये भी बॉडी शेप महसूस करेगा ये भी बॉडी शेप महसूस करेगा और ये जो है बहुत ही बढ़िया चीज़ महसूस करेगा नॉर्मल पे बहुत ज़्यादा हाइट तो आजकल होती नहीं है लेकिन ये दो हाइट को अगर हम देखें तो आमतौर पर हालांकि इस चीज़ का कोई लिंक तो नहीं है लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि छोटी हाइट है तो लड़कियां भाव नहीं देती लड़कों के साथ बड़ी समस्या है और जो छोटी लड़कियां होती हैं लड़कियों की हाइट कंपैरेटिवली इंडिया में बहुत कम होती हैं तो जैसे छोटी हाइट की लड़कियां होती हैं तो उनको ऐसा लगता है कि काश मेरी हाइट बढ़ जाए तो वो कुछ कर और बहुत सारे काम भी वो करती हैं हालाँकि इन सब इसका इस चीज़ से कोई रिलेशन नहीं है ठीक है इसके लिए जो आपका जो बायोलॉजिकली जीन्स हैं ये इन सब का फ़र्क पड़ता है और आपके इन्वामेंट का फ़र्क पड़ता है लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं आपकी पर्सनालिटी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं अगर आपको ये लगता है कि अगर आपकी हाइट छोटी है तो कोई लड़का अगर आपकी कोई हाइट छोटी है तो लड़का है तो लड़की पसंद नहीं करेंगे लड़की है तो कोई लड़का पसंद नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या है कि आप इमोशनली अपने आप को कमज़ोर करते हैं आपको ऐसा लगता है कि इसको पसंद कर लेगा कोई मुझे पसंद नहीं करेगा तो इट मीन्स कि आपकी पर्सनैलिटी अपने आप ही उसके मुकाबले आपके फ्रेंड के मुकाबले कमजोर हो जाएगी तो जब हम बात करते हैं फिजिकल सोशल मेंटल ये सारी चीजें आपकी पर्सनैलिटी से जुड़ी हुई है इसमें से अधिकतर चीजें आपकी हेल्थ से संबंधित है हेल्थ के डायमेंशन है और ये कंप्लीट पर्सनैलिटी का ट्रेट है और जब पर्सनैलिटी ही आपकी साउंड है तो आप आगे बढ़ेंगे और पर्सनैलिटी साउंड नहीं है तो आप पीछे आते जाएंगे अब एक टॉपिक है इंट्रा इंट्राम्यूरल्स और एक्स्ट्रा एक्स्ट्राम्यूरल्स इसके ऊपर आपके पेपर में भर भर के क्वेश्चन आए थे और समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है तो इंट्रा इंट्राम्यूरल्स स्पोर्ट्स और इंट्रा म्यूरल हिंदी में भी इंट्रा म्यूरल ही लिखा हुआ आया था इंट्रा म्यूरल स्पोर्ट और इंट्रा इंट्राम्यूरल्स आर द रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स रिक्रिएशनल का मतलब ऐसे स्पोर्ट्स जो कि मनोरंजन के लिए किए जाते हैं इसके लिए कोई कंपटीशन नहीं होता जीतने हारने की बात नहीं होती मनोरंजन के लिए कंपटीशन कराया जाता है ऑर्गेनाइज विद इन ए सेट ऑफ जोग्राफिक एक व्यवस्थित जगह पर करवाया जाता है द टर्म डिराइव द लेटिन वर्ड इंट्रा एंड म्यूरोस मीनिंग विद इन दी वर्ल्ड यानी कि स्कूल की चार दीवारी के अंदर स्कूल के अंदर ही कुछ लोग मिलजुल के खेल रहे हैं अपना रिकनल एक्टिविटी कहीं कैरम खेल रहे हैं कोई टेबल टेनिस खेल रहे हैं जीतने हारने का मकसद नहीं है मतलब स्पोर्ट्स को इन्जॉय करने का मतलब है तो वो इंट्रा इंट्राम्यूरल कहलाता है जिससे कुछ स्टेप्स हैं कि प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या लीडरशिप रिक्वायरमेंट है किस तरह के लीडर चाहिए ताकि ऐसी पॉलिसी बनाए सबके लिए फेयर हो प्रोग्राम सबके लिए सेफ हो ठीक है और सभी पार्टिसिपेंट को बताएं सब क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं क्या क्या फाइनेंशियल रिसोर्स की ज़रूरत है किस तरह की एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है क्या क्या टूना कैसे टूर्नामेंट बनाएं कैसे इवेंट को डिटेल करो किस तरीके से इसको इवेल्यूट करें कुछ स्टेप्स है इसके लिए परेशान नहीं होना एक आता है एक्स्ट्राम्यूरल्स तो एक्स्ट्राम्यूरल का मतलब क्या है एक्स्ट्राम्यूरल एक्टिविटी टेक प्लेस आउटसाइड द वॉल ऑफ द स्कूल स्कूल से बाहर अगर कोई एक्टिविटी हो रही है तो वह एक्स्ट्राम्यूरल कहलाएगी और स्कूल के अंदर अगर कोई एक्टिविटी हो रही है तो इंट्रा म्यूरल कहलाएगी इंट्रा म्यूरल जो एक्टिविटी है वो रिक्रिएशनल मनोरंजन के लिए होता है और टिपिकली एक्स्ट्राम्यूरल एक्टिविटी इन्वॉल्व इनफॉर्मल कंपटीशन बिटवीन स्कूल स्कूल मिला करके देखो एक होता है फॉर्मल कंपटीशन जैसे जीत हार की बात है जैसे कि आपने क्रिकेट मैच में सुना होगा जैसे इंडिया जैसे वर्ल्ड कप के मैचेस होते हैं तो वर्ल्ड कप के मैचेस में कई बार कुछ फ्रेंडली मैचेस भी होते हैं एक हो गया फ्रेंडली मैच जिसमें जो है जीतने हारने का कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन कुछ होते हैं जैसे कि हार गए तो आपके पॉइंट बढ़ते हैं कम होते हैं जीतते हैं तो बढ़ जाते हैं हारते हैं तो कम हो जाते हैं वो हो जाते हैं फॉर्मल मैच यानी कि जब आपके जीत हार का फर्क से रिजल्ट प्रभावित हो वो होते हैं फॉर्मल मैचेस लेकिन ऐसे खेल से जिसकी जीत हार से किसी तरह की आपके किसी तरीके से रिजल्ट प्रभावित ना हो वो होते हैं इनफॉर्मल मैचेस जैसे कि फ्रेंडली मैच जिसको कहते हैं तो एक्स्ट्रा म्यूरल एक्टिविटी उसी तरीके से रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स होंगे लेकिन ये गेम्स जो हैं स्कूल के अंदर नहीं स्कूल के बाहर विद इन स्कूल्स होंगे तो इस तरह की एक्टिविटी को एक्स्ट्राम्यूरल कहेंगे तो दोनों टर्म को याद रखिएगा 100 परसेंट इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन आएगा इंट्रा म्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल नोट करके रखना क्योंकि जब पेपर्स आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा भी और ये सारी वीडियोज आप मार्क करके रख लेना जो मैं बता रहा हूं ये आएगा 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 ना आए तो बताना आए तो बताना ये सर देखो आपने बताया था और आया बाद में जब पेपर आएगा ना तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट करना फिर टीचिंग मेथड की बात करते हैं कमांड मेथड है डेमोस्ट्रेशन होल पार्ट म्यूर कमांड का मेथड है कंप्लीट डिक्टेटरशिप ये स्पोर्ट्स के मेथड है ठीक है जहाँ पे टीचर के पास पूरी कमांड होती है टीचर बोलता है उठ तो उठ बैठ तो बैठ चल तो चल रुक तो रुक तो ये कमांड मेथड होता है डेमोन्स्ट्रेशन जहाँ पे टीचर या फिर जो एक ट्रेनर होता है वो किसी चीज़ को डेमोस्ट्रेट करता है भाई ऐसे करना है फिर उसके बाद सामने वाला उसको इमिटेट यानी कि उसको करता है होल पार्ट का मेथड है होल पार्ट होल का मेथड है कि सबसे पहले सबसे पहले एक पूरी चीज दिखाई जाती है फिर छोटी छोटी चीजों की प्रैक्टिस की जाती है और फिर पूरा काम किया जाता है होल पार्ट होल मेथड कहते हैं उसको तो जो सबसे पहला होल है वो ट्रेनर परफॉर्म करता है पार्ट ट्रेनर एंड जो पार्टिसिपेंट होते हैं परफॉर्म करते हैं फिर ये जो होल है पार्टिसिपेंट करता है इसमें क्या होता है टीचर बताता है चल भाई राकेश बॉलिंग करा तो राकेश बॉलिंग करवाता है बोलता है कि जैसे कि ऐसे बॉलिंग करवाएगा तो इस तरीके से आपकी पोजीशन ऐसे होनी चाहिए और ऐसे आकर के ऐसे आपको मारना है इस तरीके से एक बंद टीचर ने बता दिया है ये तो पूरा एक सीन हो गया ये हो गया होल कि किस तरीके से शॉट को मारना है अब खड़े होने का तरीके में एक्सपर्ट करना भाई खड़ा कैसे होना है तो खड़ा होने के लिए घुटने मुड़ने चाहिए पैर के बीच में गैप होना चाहिए क्या होना चाहिए क्या बैट को कैसे पकड़ना है कोई बैट को ऐसे पकड़ता है कोई बैट को ऐसे पकड़ता है कोई ऐसे करके पकड़ता है कैसे पकड़ना है तो छोटी छोटी स्किल्स के अंदर बच्चे को एक्सपर्ट बनाना और फिर छोट हाँ ऐसे करो अब अभी ऐसे करो बार बार ऐसे करो बार बार ऐसे करो तो ऐसे करके वो हजार बार उसकी प्रैक्टिस कराता है फिर धीरे 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 करके एक स्टांस लेने की प्रैक्टिस और फिर बॉलिंग करवा के ऐसे चलाने की कोशिश करवाई तो एक तरीके से फिर राकेश ने बॉल करवाया लेकिन इस बार टीचर नहीं खेल रहा है इस बार बच्चा खेल रहा है तो वो होल यानी कि होल पार्ट होल मैथड वो हो जाता है मिरर मेथड का मतलब होता है जब सामने अपने आप को देख करके हम लोग किसी काम को करते हैं तो वो मिरर मेथड होता है जैसे कि डांसिंग वांसिंग जब होता है तो सामने शीशा रख करके शीशा लगा होता है उसके सामने हम डांस करते हैं और हम अपने स्टेप्स को खुद देख रहे होते हैं तो वो मिरर मेथड का मतलब हुआ जब आप अपने आप को सामने उस काम को होते हुए देख रहे हैं और जज कर रहे हैं कि आप कैसे काम कर रहे हैं तो वो मिरर मेथड है एक वर्ड है कैलिस्थेनिक्स ये एक अलग वर्ड है हो सकता है कि आपके पेपर में आ जाए तो कैलिस्थेनिक्स का मतलब क्या होता है आर जनरली माइंड स्ट्रेसर्स टू बिगिन विद बट एरोबिक फॉर्म ऑफ एक्टिविटी ये कैलिस्थेनिक्स क्या है एरोबिक फॉर्म है दे कैन बी मेड मोर वाइग्रस एंड स्ट्रेसफुल बाई इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ मूवमेंट एंड और मेकिंग कॉर्डिनेशन मोर कॉम्प्लेक्स इन यंग एज वाइग्रस कैलेस्थेनिक्स आर क्वाइट बेनिफिशियल वाई द सिवियरिटी ऑफ कैलेस्थेनिक्स मस्ट गो ऑन डिक्रीजिंग विद एन एडवासिंग स्टेज और द पीपल ऑफ सेडिनेटरी लाइफ स्टाइल कैलेस्थेनिक्स आर मोर एपिटाइजर्स मतलब क्या हो गया कैलिस्थे ये क्या है ये कैलिस्थेनिक्स जो है ये एक तरीके से एरोबिक एक्टिविटी हो गई कि आपको ऐसे से करना है आपको भागना है भाग ऐसे करना, ऐसे से करना है ऐसे करके किसी भी तरीके से पूरी एक्टिविटी करनी है इस तरह की कुल मिलाकर एरोबिक्स हो गया छोटी उम्र जो बढ़ते बच्चे होते हैं वहाँ पर बड़े ही फास्ट और बहुत सारे जो टिपिकल कम्पलेक्स स्टेप्स जो हैं एरोबिक्स में होते हैं वही साठ साल का बंदा जो है वो इतना उछल कूद नहीं कर पाता उसको हल्का 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 बस थोड़ा सा पैर हिला लिया थोड़ा सा हाथ हिला लिए इतने में ही उसकी एरोबिक्स हो जाती है मतलब बचपन में कॉम्प्लेक्स स्टेप्स हो सकते हैं और बाद में आ, एज जैसे जैसे ढलती है उस हिसाब से वो लोअर हो सकता है कम्प्लीटली हमारे बॉडी को ये फिट रखती है तो कैलिस्थिनिक्स एरोबिक्स का एक पार्ट है ध्यान रखना टीचर का रोल एक काउंसलर के रूप में देखें तो दिक्कत क्या क्या है बच्चों की उसको हम समझ लेते हैं इसके फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है एडीएचडी अटेंशन डेफिशेंट हाइपर डिसऑर्डर ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बाईपोलर डिसऑर्डर मैनिक डिप्रेशन जिसको कहते हैं डिप्रेशन डिस्थेमिया होगा सोमेटिक डिसऑर्डर है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर या फिर बीपीडी कहते हैं पीडीडी का मतलब हो गया पजिवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ऑटिज्म इन एग्जाइटी डिसऑर्डर या फिर इसके अलावा कोई और तो इसके ना जो जो नाम है इसके बारे में थोड़ा रिसर्च कर लेना क्या है क्या नहीं थोड़ा थोड़ा पढ़ना है आपका काम हो जाएगा उसके बाद इनडाइजिनस गेम मतलब स्वदेशी खेल कौन कौन से खेल भारत में पैदा हुए हैं तो जैसे कबड्डी खो खो ये भारत की देन है पूरे दुनिया को ये जो दो खेल हैं ठीक है ये बात हो चेस भी भारत का ही है उसके बाद एक चेस शायद भारत का है या चाइना का है बताना जरा को चेस भारत का चाइना का मेरे को थोड़ा सा एकदम से वो याद नहीं आ रहा है ठीक है वो थोड़ा देख लेना मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा ठीक है मेरे शायद भारत ही है उसका है ना तो ये हो गया हाँ इंडाइजनस गेम इसके ना कुछ खेल हैं जैसे बैडमिंटन है खो खो है कबड्डी है फुटबॉल है और क्रिकेट है टेनिस है इन सब का जो कोर्ट होता है कोर्ट का साइज़ कितने प्लेयर होते हैं क्या रूल होते हैं उसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठी करके रखिएगा आप क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में रूल बेस्ड हो सकता है कि एक आधा क्वेश्चन किसी में पड़ जाए अब अंत में आता है योगा योगा के बारे में देखते हैं योगा क्या है द वर्ड योगा कम्स फ्रॉम द वर्ड संस्कृत से योगा आया है जिसका मतलब है युज शब्द है हालांकि सत्यता ये है कि योगा का जन्म भारत में हुआ है लेकिन पेटेंट हो गया है विदेशों में और अब विदेशों से भारत में योगा आ रहा है योगा की बात करें उसका मतलब है द मेन एम ऑफ योगा इज टू कंट्रोल ओवर द माइंड पेपर में क्वेश्चन आ सकता है यहीं से क्वेश्चन बनता है द मेन एम ऑफ योगा इज कंट्रोल ओवर द माइंड कंट्रोल ओवर द बॉडी कंट्रोल ओवर आईज कंट्रोल चार चीजें होंगी तो कंट्रोल ओवर द माइंड करना है ठीक है लिखा हुआ है अ मैन हु कैन नॉट अ मैन नहीं होना चाहिए था यहां पे पर्सन होना चाहिए था क्योंकि यहां पर ये जो मैन है ये क्या है ये ये एक सेक्सिस्ट शब्द है ये इसके जगह यहाँ पे एक पर्सन होना चाहिए था जो कि न्यूट्रल होता सेक्स न्यूट्रल होना चाहिए था अ मैन हु कैन नॉट कंट्रोल हिज माइंड विल फाइंड डिफिकल्टी टू अटेन हिज दिस डिवाइन कम्युनिजन बट द सेल्फ कंट्रोल मैन कैन अटेन इफ इट ट्राइज हार्ड एंड डायरेक्ट एनर्जी बाई गिवन द राइट मीन्स यानी कि अगर अपने आप पर कंट्रोल है तो बेहतरी की ओर जाएगा अदरवाइज दिक्कत होगी परेशान रहेगा आठ स्टेज होते हैं योग के ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है संस्कृत शास्त्र आ, कौन से वेद में है बताइए ये भी बताइएगा ढूंढिएगा कि जो आठ मतलब जो स्टेजेस हैं वो किस वेद में दिए हुए हैं एक वेद में डिस्कशन है लेकिन जो ठीक से वो वेद का नाम याद नहीं आ रहा क्या होता पेपर में आ जाए तो ये भी ढूंढ लीजिएगा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार फिर उसके बाद है धारण ध्यान और समाधि सबसे अंतिम स्टेज होती है समाधि समाधि मोक्ष की स्थिति होती है जहाँ पर हमको ये नहीं पता होता कि दुनिया में हम कहाँ हैं बस अपने आप में लीन रहते हैं हमें किसी तरह की कोई डिस्टरबेंस नहीं महसूस होती बचपन में आपने सुना होगा कि कुछ लोग समाधि में चले जाते हैं ऐसे चीटी पूरा मिट्टी का घर बना देते हैं और वो एकदम एकदम वो क्या कहते हैं ध्यान में लगे रहते हैं तो वह स्टेज समाधि का होता है जब आपको किसी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं होती चाहे कुछ भी चल रहा हो और यम शुरुआती स्टेज है तो ये स्टेज याद रखिएगा पेपर में क्वेश्चन आ जाता है अब हम आ गए हैं वर्क एजुकेशन पे ठीक है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन कंप्लीट हो गया अब आ चुके हैं हम वर्क एजुकेशन पर तो वर्क एजुकेशन का मतलब क्या है कार्य शिक्षा वर्क एजुकेशन को पहले वर्क एक्सपीरियंस के नाम से जाना जाता था डब्ल्यू ई सब्जेक्ट के वी एस में इसके नाम से एक अलग से पोस्ट भी आती है और इसके अंदर जो अपने टेक्निकल बच्चे होते हैं बी टेक के जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले होते हैं उनको यहाँ पे मौका भी मिलता है तो वर्क एक्सपीरियंस के अंदर मेनली जो है काम से संबंधित चीज़ें हैं कि वर्क के प्रति काम के प्रति हमारा रिस्पेक्ट हो हम किसी भी तरह के काम को कर करने में शर्माए नहीं वो अलग बात है कि वो हम काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे दैट इज़ ए डिफरेंट थिंग लेकिन काम के प्रति एक आ, हीन भावना और बहुत ही बढ़िया भावना ये नहीं होना चाहिए काम काम है इस तरह की अभिवृत्ति होनी चाहिए डेवलप करने की कोशिश हम थ्रू वर्क एक्सपीरियंस अपने विद्यालयों में अपने बच्चों के साथ करने की कोशिश करते हैं जैसे कि कोई व्यक्ति अपने घर में डॉक्टर डॉक्टर खेलना बहुत पसंद करता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा तो पेशेंट बन जा लेकिन वो अपने घर में खेल खेल में ही झाड़ू लगाना उतना पसंद नहीं करते वो कहते बेकार काम है ये मैं नहीं करूँगा मैं डॉक्टर बनना प्रेफरेबली ज़्यादा पसंद करूँगा इट इज़ ओके कि भाई कोई कुछ भी बन सकता है वो उसकी पसंद है लेकिन ये कहना कि ये काम छोटा है और ये काम बड़ा है हालाँकि सैलरी परस्पेक्टिव से रिकोगशन के परस्पेक्टिव से डेफिनेटली डिफरेंसेस है लेकिन काम के अंदर आसक्ति होना बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है और ये क्या करता है किसी दूसरे व्यक्ति से हमको दूर करता है हमारे शिष्टाचार को दूर करता है और हमको एक इमोरल व्यक्ति बना देता है अनैतिक व्यक्ति बना देता है तो कार्य कर के प्रति प्यार कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता एटलीस्ट जब वो खुद के लिए हो और ना हो रहा हो तो किसी दूसरे की डिसरिस्पेक्ट ना करना जैसे कि मान लीजिए हम अपने घर में झाड़ू लगानी चाहिए बस चलो आप नहीं कर सकते आपने मेड़ लगा रखी है मेड़ काम करती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं झाड़ू नहीं लगा सकती क्योंकि या मैं झाड़ू नहीं लगा सकता क्योंकि मैं आदमी हूँ इसलिए मैं झाड़ू नहीं लगा सकता या फिर मैं क्यों झाड़ू लगाऊंगी मेरे बाप मेरे माँ बाप ने मुझको झाड़ू लगाने के लिए थोड़ी पैदा किया है इस तरह की चीज़ होना हमारे कल्चर में आजकल बहुत ज़्यादा है एक कमेंट आया था सोनम कपूर का बहुत समय पहले आया कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है दो तीन चार साल पुरानी बात है तो सोनम कपूर एक वीडियो में कहीं पर बोल रही थी कि मुझे इंग्लैंड शहर बहुत पसंद आता है क्योंकि इंग्लैंड शहर में सभी लोग अपना काम खुद करते हैं तो हालांकि मुझे ए, ये वो अलग बात है चलो पर्सनल चीज़ है लेकिन सोनम कपूर मुझे सबसे बेकार हीरोइन लगती है हालांकि हर एक व्यक्ति अपने आप में बेस्ट होता है और पसंद नापसंद की बात होती है तो नापसंद की दृष्टि से बाकी कोई भी व्यक्ति बहुत बेहतर या अच्छा हो सकता है कोई पर्सनल अटैक नहीं है बस पसंद नापसंद की बात है ठीक है तो अब उसने ये स्टेटमेंट पास करी कि मेरे को लंडन बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पे लोग अपना काम खुद करते हैं तो क्या भारत में तो उसको काम करने से कोई रोकता है नो वन स्टॉप्स लेकिन भारत का कल्चर ये है कि हम वो काम नहीं करेंगे क्योंकि हम तो बहुत ही कोई रईस ज़्यादा नो रहीस ज़्यादा होना आपको अपने आप को साफ रखना या घर को साफ रखने से दूर नहीं करता है तो ये कुछ स्थितियां हैं और ये सारे वैल्यूज को हमको वर्क एक्सपीरियंस या वर्क एजुकेशन में हम डेवलप करते हैं तो वर्क इन एजुकेशन का मतलब होता है काम शिक्षा में कार्य की जो है इंपॉर्टेंस करना ये तक कम्युनिटी रिसोर्सेज के बारे में हमको जानकारी हो हम उसके ऊपर हम स्किल्स सीखें हम कुछ काम करें ठीक है और कुल मिलाकर के अपनी सोसाइटी को आगे बढ़ाएं ठीक है कंसेप्ट ऑफ वर्क एजुकेशन एंड मीनिंग इसका क्या मतलब है वर्क एजुकेशन इज कंसिडर पर्पजफुल मीनिंगफुल फिजिकल लेवल यानी कि एक उद्देश्यपरक और अर्थपूर्ण शारीरिक लेबर है जो कि ऑर्गेनाइज किया जाता है इनहेरिट पार्ट ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस यानी कि शैक्षिक प्रक्रिया का ही एक हिस्सा होता है इट इज डीम्ड एज द प्रोडक्शन ऑफ मीनिंगफुल मटेरियल कम्युनिटी सर्विस जो आ, जैसे कोई कैंपेन चलाया कि भाई सफाई सफाई रखो ये रखो ये भी कैंपेन है ये भी सोशल सर्विसेज ये सारी चीज इसमें आती है वर्क एजुकेशन एम्फोसाइजेज ऑन इंक्लूडिंग नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिकल स्किल इन द एजुकेशनल एक्टिविटी द कंसेप्ट ऑफ वर्क एजुकेशन कैन बी अंडरस्टूड बेटर थ्रू ये फैक्टर्स हैं इसके थ्रू तो हम समझ सकते हैं ये हैंड एंड ब्रेन ये साइकोमोटर स्किल्स को इंक्रीज करता है हम यहाँ पर ये नहीं कहते कि तुम कर क्या रहे हो हमारे देश में थोड़ी सी हमने बताया विभिन्नता है ऊंच नीच अच्छा बुरा ये कुछ ज़्यादा ही चलता है इसके लिए दिक्कत थोड़ी ज़्यादा है ठीक है तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो वर्क वर्क एजुकेशन को अच्छे तरीके से समझाते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि वर्क एजुकेशन में आपको सफल बनाते हैं जैसे कि ब्रॉड माइंडेडनेस आपका दिमाग बहुत ही व्यापक होना चाहिए संकुचित सोच है तो आप वर्क एजुकेशन को नहीं समझ पाएंगे और नहीं कर पाएंगे जैसे कि झाड़ू लगाने की बात आप मैं झाड़ू लगा मैं झाड़ू लगाऊंगा मैं झाड़ू लगाऊंगी इस तरह की चीज़ जो है आपका ये ये शो ये नहीं शो करता कि आप करेंगे क्या ना करेंगे ये शो करता है कि आपका दिमाग कितना ज़्यादा या फिर आपकी सोच कितनी ज़्यादा संकुचित है लेकिन वर्क एजुकेशन में सक्सेस के लिए ब्रॉड माइंडसनेस यानी कि व्यापक जो है आपका मस्तिष्क होना चाहिए लेबर के प्रति आपका एक डिग्निटीफाइड डिग्निफाइड आपका व्यू होना चाहिए और पॉजिटिव सकारात्मक रवैया होना चाहिए सकारात्मक रिलेशनशिप होनी चाहिए कम्युनिटी और स्कूल के बीच में कॉपरेशन सहयोग की भावना हो और क्रिएटिव और इमेजिनेटिव एप्टीट्यूड दोनों होना चाहिए जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं वर्क एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है कि ये हमारी रेगुलर हैबिट्स को डेवलप करता है कि हम अपने कमरे को साफ रखें अपने बिस्तर को साफ रखें ये सारी चीज़ें कुछ अच्छी हैबिट डेवलप करता है अवेयरनेस को डेवलप करता है और अंडरस्टैंडिंग प्राइड टुवर्ड द इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिकल वर्क जो फ़िजिकल वर्क और लेबर इसके प्रति जो है गर्व की गर्व के भाव को महसूस करता है जैसे कि मैंने कभी घर ये सब जैसे खाना बनाने का काम ये सब नहीं किया लेकिन जब केवी में गया तो मेरे को ये बनाना पड़ा और मैं बहुत ही गर्व से आज कहता हूँ जैसे कई बार हम जैसे मजाक मजाक में कहते थे कि एक महिला जो है वो सारी चीजों को संभालती है सर्वगुण संपन्न होती है तो मैं भी कहता था कभी कभी जितनी हालांकि सभी चीज़ें तो नहीं कर सकता नतपस्तक है हम महिला शक्ति के सामने लेकिन मैं भी कभी कभी ये बात कह दिया करता था कि हम भी सर्वगुण संपन्न है हमें भी सारी चीजें आती हैं तो बराबर बराबर की बात है हाँ तो चलिए तो इस तरह की चीज़ें और मुझे इस चीज़ का गर्व है कि मैं घर के सभी काम करने में सक्षम हूँ खाना भी बना सकता हूँ बर्तन भी धो सकता हूँ ठीक है और जरूर सफाई भी कर सकता हूँ हर एक तरह की चीज़ मैं कर सकता हूँ करता हूँ ठीक है और मुझे इस चीज़ के प्रति किसी भी तरह की कोई घृणा का भाव या द्वेष का भाव नहीं है और इस चीज़ का मुझे पूरा गर्व है और इसके कारण इसका मैं श्रेय देता हूँ अपने पेरेंट्स को इसका श्रेय देता हूँ मेरी कम्युनिटी को मेरे समाज को और मेरे विद्यालय को मेरे टीचर्स को जिनके थ्रू उन टीवी सीरियल्स को जिसके थ्रू ये वैल्यूज फिल्मों के को मैं रिगार्ड देता हूँ जिसके कारण ये वैल्यूज मैंने डेवलप किए हैं आप सोशल डिजायरेबल वैल्यूज आप डेवलप करते हैं जिसको एच कहते हैं अब आता है आ, किस तरीके से आप वर्क एजुकेशन के सेशन को प्लान कर सकते हैं जितना होता है बेसिक नीड्स को फुलफिल करना ऑब्जेक्टिव है जो कुछ होता है कि आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो उससे संबंधित एक्टिविटी जैसे सफाई वगैरह सब हो गई वातावरण की सफाई से संबंधित है जैसे पहला हो गया पर्सनल क्लीननेस दूसरा हो गया स, जैसे हो गया इन्वायरमेंटल क्लीननेस कि कहीं पे कूड़ा कचरा ना हो सोशल सर्विस सामाजिक कहीं पे आप पढ़ा रहे हैं गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं किसी की हेल्प कर रहे हैं चंदा कलेक्ट करके कहीं पे दे रहे हैं तो सोशल सर्विसेज हो गया अपने कल्चरल हेरिटेज को बचाना नेशनल इंटीग्रेशन इसको जोड़ना कि कहीं पर हमारे कल्चरल हेरिटेज को कोई नुकसान ना पहुंचा पाए उसको लेके अवेयरनेस फैलाना ठीक है नेशनल इंटीग्रेशन कभी टूट फूट की बात ना करना हिंदू मुस्लिम जाति इसके बारे में ना लड़ना सब अगर कोई आपके सामने लड़ रहा है तो कोशिश करना कि वह इस चीज़ को समझे कि परस्पर भाईचारे में ही अपना फ़ायदा है लड़ने झगड़ने से केवल और केवल नेताओं का और विदेशों का फायदा होगा देश की आम जनता का कोई फायदा नहीं होगा ठीक है फिर इन्वायरमेंटल अवेयरनेस की हमें कि हमें अपने एनवायरमेंट के बारे में पता चले उसे संबंधित कुछ एक्टिविटीज होती हैं इंटीग्रेट करने के कई सारे तरीके हैं करिकुलम में थ्रू लैंग्वेज मैथमेटिक्स एंड एन्वायरमेंटल स्टडी सोशल साइंस या फिर हिस्ट्री के थ्रू क्योंकि हिस्ट्री के थ्रू नेशनल इंटीग्रेशन ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं तो इसके कुछ जो टॉपिक्स होते हैं ऐसा नहीं है कि वर्क आजकल वर्क एक्सपीरियंस का पीरियड भी स्कूल में लगता है ठीक है लेकिन वर्क एक्सपीरियंस कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक पीरियड का विषय है इंटीग्रेटेड चीजें होती हैं और आप अपनी कक्षा में अपने सब्जेक्ट के साथ इसको इंक्लूड कर सकते हैं ठीक है किस तरीके से पढ़ा सकते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड बच्चे किसी काम को कर रहे हैं आप उसको देख रहे हैं पर्यवेक्षण या अवलोकन करेंगे उस काम को करके दिखाएंगे प्रैक्टिकल बच्चे खुद करेंगे प्रोजेक्ट बच्चों को आप प्रोजेक्ट दे देंगे एक्सकर्शन बच्चों को घुमाने लेके जाएंगे इन तरीकों से आप बच्चों को वो काम करा सकते हैं कम्युनिटी का क्या रोल होगा वर्क वर्क एजुकेशन में देखिए कम्युनिटी का मतलब होता है कम्युनिटी जब तक जुड़ेगी नहीं विद्यालय से तब तक काम हो नहीं पाएगा कम्युनिटी का रोल क्या हुआ कि हमने हमने बाहर से एक माली को बुलाया एक डॉक्टर को बुलाया एक स्वीपर को अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कैसे करना चाहिए किस तरीके से करना चाहिए ये सारी चीज़ें बच्चे देख रहे हैं समझ रहे हैं किसी माली को बुलाया और स्कूल में जो है बागवानी का, का काम करवाया और बच्चे उस काम को साथ में कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें कम्युनिटी के साथ जुड़ना या फिर बच्चे समाज में जा के वहाँ पर कहीं एरिया जो है कई बार हम मेरे को याद है कि एक टाइम था 2016 का टाइम नहीं 2016 नहीं 2015 का टाइम था और 2015 में 2 अक्टूबर का जब टाइम आया था तो 2 अक्टूबर को ऐसा आया था कि कैंपेन निकाला था हमने और जो कॉलोनी थी उसकी सफाई करी थी जो वीड्स वगैरह हो गए कूड़ा वगैरह सब ने साफ किया था और झाड़ू लगाई थी पूरी गलियों में टीचर बच्चे तो थे इंक्लूडिंग टीचर्स हमने भी किया था और उसमें बड़ा मजा भी आया था तो ये सारे काम कम्युनिटी के अंदर जाना या कम्युनिटी को स्कूल मिलाना ये कुल मिला करके इससे काम होगा कुछ पॉइंट्स आप पढ़ सकते हैं कोऑपरेशन ऑफ कम्युनिटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस समझ में आ गया कम्युनिटी को आप कैसे जोड़ सकते हैं कम्युनिटी से कुछ लोगों को आपने बुलाया जो अलग अलग चीज़ें अलग अलग स्किल्स में एक्सपर्ट हैं आप बुलाइए उनको जोड़िए और काम कराइए इवेलुएशन करने के कुछ मेथड्स हैं ऑब्जर्व करो इंटरव्यू लो चेकलिस्ट लो चेक लिस्ट का मतलब हो गया कि आपने बना रखा है कि भाई ये था ये ये सारी चीज़ें ये है ये है ये भी नहीं है ये है ये है ये नहीं है ये चेक लिस्ट होते हैं क्यूमलेटिव रिकॉर्ड्स लगातार रिकॉर्ड बनाना है क्वेश्चन क्वेश्चन फोटोग्राफ या पोर्टफोलियो इसको हमने डिटेल में कुछ क्लासेस में कवर किया हुआ है असेसमेंट एंड इवेल्यूएशन को हम बहुत अच्छे से जानते हैं असेसमेंट का मतलब होता है जब क्वालिटेटिव पॉइंट्स को हम कवर करते हैं फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ चाइल्ड बच्चे के प्रदर्शन में सुधार करने के लिए जब हम क्वालिटेटिव कमेंट्स रिसर्च करते हैं कि उसकी प्रोग्रेस का क्या प्रोग्रेस का क्या प्रोसेस है वो असेसमेंट के अंदर आता है इवेल्यूएशन जो है अपना मेजरमेंट मापन और असेसमेंट दोनों के जोड़ को हम इवैल्यूएशन कहते हैं मतलब क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों तरह की चीज़ों को कवर कराता है जो कि मेनली होता है बच्चे की परफॉर्मेंस को जज करने के लिए फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोशन एंड नेक्स्ट इज फॉर द परपज ऑफ प्रमोशन एंड टू प्रमोट इट टू द नेक्स्ट स्टेज चार फंडामेंटल मेथड है असेसमेंट के इंडिविजुअल असेसमेंट एक बच्चे का व्यक्तिगत रूप में आप उसको असेस कीजिए ग्रुप असेसमेंट एक ग्रुप को एक मान के असेस कीजिए सेल्फ असेसमेंट जब बच्चा खुद अपने आप को असेस करता है इसको हम असेसमेंट एज लर्निंग भी कहते हैं कवर कर चुके हैं हम इसको असेसमेंट बाई क्लासमेट जब पीयर्स का असेसमेंट हो और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो पीयर असेसमेंट को बढ़ावा देती है ध्यान रखिएगा और सेल्फ असेसमेंट को भी वह प्रोग्रेस कार्ड में एक कॉलम भी दे रही है जहां पे बच्चा अपने आप का सेल्फ इवेल्यूशन सेल्फ अप्रेजल करेगा कि उसने इस साल क्या किया असेसमेंट के कुछ टूल्स एंड टेक्निक है खूब सारे ऑब्जर्वेशन इंटरव्यू चेकलिस्ट क्यूलेटिव क्वेश्चनअर पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट कंपटीशन एक्टिविटी ग्रुप वर्क एग्जाम क्वेश्चन फॉर्म डिबेट लेक्चर रेटिंग स्केल असाइनमेंट वर्क इन सबके थ्रू जो है बच्चे का असेसमेंट किया जा सकता है चेकलिस्ट मैंने आपको बता दिया कि कुछ आइटम्स होते हैं जैसे कि आप घर से निकलने वाले हैं घूमने के लिए तो आपको सामान चाहिए आपको बैग चाहिए बैग के अंदर जिसने कपड़े चाहिए ब्रश वगैरह चाहिए सारी चीज़ें चाहिए तो कई बार हम एकदम से जब काम कर रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें भूल जाते हैं तो प्लानिंग फेज़ में हम वो सारी चीज़ें लिख लेते हैं जिसकी ज़रूरत है डिस्कशन करके ताकि कोई चीज़ मिस ना हो और जिस समय हमको वो परफॉर्म करना होता है तो परफॉर्म करते वक्त हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ है कौन सी चीज़ नहीं है जो नहीं है उसको हम कर लेते हैं और जो है इट इज़ ओके तो वो चेकलिस्ट होती है क्यूमलेटिव रिकॉर्ड्स लगातार दीज इवेंट्स आर नोन एज ऑब्जर्वेशन जो बच्चे से हमने ऑब्जर्व किया है क्यूमलेटिव रिकॉर्ड प्रजेंट द डिस्क्रिप्टिव रिकॉर्ड ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट हैपनिंग इन दी लाइफ ऑफ चिल्ड्रन बच्चे के जीवन में जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं उनका डिस्क्रिप्टिव रिकॉर्ड जो होता है वो क्यूमलेटिव रिकॉर्ड्स के अंदर होते हैं पोर्टफोलियोस ये तो मैंने बता ही दिया जो बच्चे के जो काम होते हैं जो नॉर्मल वर्क से थोड़ा हटके जो काम होता है उसका रिकॉर्ड बनाना ताकि बच्चों को हम अच्छे से असेस कर पाएँ और आखिरी में बता पाएँ कि किस एरिया में उसकी एक्सपर्टीज़ है और कहाँ पर उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है हाउ टू कम्युनिकेट द प्रोग्रेस रिपोर्ट टू द स्टूडेंट एंड पेरेंट्स बच्चों को हम किस तरीके से ये ये वाला जो फेज़ होता है उसको कहते हैं रिपोर्टिंग का फेज़ ठीक है रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ इवेल्युएशन जो हम इवेल्युएशन करते हैं रिपोर्ट जो बनाते हैं रिपोर्ट बनाने के बाद नेक्स्ट फेज आता है जिसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन जब कम्युनिकेशन करते हैं जिसको रिपोर्टिंग का फेज़ भी रिपोर्टिंग मतलब कम्युनिकेटिंग का जो फेज़ कहते हैं तो उसके अंदर हम हमें अपने रिपोर्ट कार्ड को लोगों तक पहुंचाना होता है और लोगों तक पहुंचाने में कौन से लोग होते हैं सबसे पहला बच्चा खुद फिर उसके पेरेंट्स स्कूल का प्रिंसिपल अथॉरिटीज़ इवन जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ तक हमको पहुँचाना होता है ताकि एक पैटर्न अगर हमने डिस्कवर किया है उस लेवल का तो आगे बताएँ तो पेरेंट्स को बच्चे के इंडिविजुअल बच्चे के बारे में बताइए उसकी स्पेशल अचीवमेंट और उसकी जो ज़रूरतें हैं उसके बारे में डिस्कस कीजिए क्या क्या प्लान बनाए जा सकते हैं आगे उसको बढ़िया करने के लिए उसके बारे में डिस्कशन कीजिए इनक्रेज कीजिए बच्चों को और स्टूडेंट को ताकि वो अपने आप को सेल्फ असेस कर पाएँ क्योंकि जितना ज़्यादा हम सेल्फ असेसमेंट की तरफ बढ़ते हैं उतना ज़्यादा हमारी परफॉर्मेंस बढ़िया होती है ठीक है डर दर, डरें कम डरे कम और आगे बढ़ें ज्यादा जिसे एक बच्चे ने भी कहा था अभी साथी ने कहा था कि डर लग रहा है तो डर से बचना है एक आता है पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन इसका मतलब होता है कि किस तरीके से हम जो है बच्चे तक पहुंच सकते हैं या फिर बच्चे से कम्युनिकेट कर सकते हैं एक है टाइम यूज यानी कि जब हम पीटीएम करते हैं तो हम किन किन बातों के आधार पर बात कर सकते हैं पहला टाइम यूज कि बच्चे ने कितना समय लिया यूटिलिटी ऑफ़ इक्विपमेंट यूज़ बच्चा किस तरीके से किसी सामान का इस्तेमाल कर रहा है यूटिलिटी ऑफ मटेरियल यूज जो सामान यूज़ कर रहा है उसकी क्या उपयोगिता है किस कौन सी टेक्नोलॉजी का वो इस्तेमाल कर रहा है किस क्या चीज़ उसने बनाई किस तरह के साइंटिफिक प्रिंसिपल को वो फॉलो करता है कैसे वो ग्रुप बनाता है कैसे कितना वो काम के लिए तैयार है किस स्टाइल से वो काम करता है किस तरीके से वो जगह का बनाता है और किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करता है इन बिंदुओं के आधार पर आप पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और इन सब बेसिस पर भर भर के क्वेश्चन आते हैं सो मेक योर रेडी फॉर दीज थिंग्स एंड विद दैट थैंक्स ऑल इसी तरीके से ये वर्क एजुकेशन तक का पार्ट का कम्प्लीट हो गया उसके बाद कुछ पार्ट साइंस एंड सोशल स्टडीज़ का है लेकिन उतना जरूरी नहीं है मन करे तो नहीं जरूर कर हो ज़रूर कर लेना अभी हमारी कोशिश होगी मंडे से कि एम सी क्यू कल संडे है मौका मिला तो कुछ आपकी स्ट्रैटेजी की क्लास कर देंगे अदरवाइज़ कल कोई क्लास नहीं होगी कोशिश करेंगे कि ये जो आपकी दस क्लास हुई है अभी इसकी इसकी प्लेलिस्ट मैं कल आपको दे दूंगा ठीक है इन दस क्लासेस को आप कल तक में कवर कर लेना ताकि मंडे से जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आप एकदम एक बढ़िया तरीके से तैयार होकर के आप इस इन सब क्लासेस को अटेंड करें क्लास का टाइम वही नौ बजे का है और जो साथी अभी तक रिफ्लेक्ट बैच में नहीं जुड़े हैं मेटो स्टेटिस्टिक्स का एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए और यहाँ पर रिफ्लेक्ट बैच वन ट्रिपल नाइन प्लस टैक्स में आपको मिल रहा है इसके अंदर एनरोल कीजिए पढ़ाई कीजिए ठीक है आगे बढ़िए हर तरीके से सपोर्ट एंड गाइडेंस के लिए मेंटो स्टेटिस्टिक्स ले तैयार है एंड होपफुली तेईस तारीख से हम लोग नाइट क्लासेस स्टार्ट करेंगे ठीक है क्योंकि फेबररी बैच तो है आज खत्म हो गया है उसके बाद जो है अब नाइट क्लासेस आपकी स्टार्ट होंगी जो आपकी डी ट्र प्लस भी पेपर से ओरिएंटेड होगी एंड कोर होगी आपके पेपर में आपको पास कराने के लिए ठीक है तो अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए अपनी पढ़ा, पढ़ाई कीजिए क्योंकि ये कोर्स आपके एग्जाम तो अगले एग्जाम तक चलेगा तो बढ़िया आपका काम होगा ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे फिलहाल अभी के लिए इतना ही अपना ख्याल रखिए सुखे रहिए सुरक्षित रहिए खाइए पीजिए और एन्जॉय कीजिए विल सी नेक्स्ट क्लास टिल देन बाय बाय नमस्कार धन्यवाद जय हिंद जय भारत हाँ रजनी बंसल उसमें सब कुछ मिलेगा टीचिंग पास में सब कुछ सब कुछ मिल जाएगा उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन टीचिंग पास के साथ ये होगा कि आपका टाइम फिक्स होगा ठीक है जब आपका टाइम ओवर हो जाएगा तो उसके अंदर फिर वो एक्सटेंड नहीं होगा लेकिन आप जब कोर्स ले लोगे तो डी ट्रिपल एस बी का आपका एन आई यूएस आपका रिफ्लेक्ट बैच जनवरी फरवरी लाइव क्लासेस ई बुक सब कुछ मिलेगी एंड अगले एग्जाम तक वो मिलेगा ओके ओके रजनी दैट्स ऑल बाय बाय क्या आप भी किसी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि इस एग्जाम के लिए सिलेबस को कैसे कंप्लीट किया जाए मेरा नाम अभिषेक है और मैंने के वी एस सी टेट डी एस एस बी ऐसे एग्जाम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है और ये जानता हूँ कि ऐसे एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए कौन सी ट्रिक्स चाहिए और किस तरीके से किस बेस पर हमें सिलेबस को कंप्लीट करना चाहिए तो जुड़े मेरे साथ मेंटल स्टिस्टिक्स पर जहाँ पर मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोज लाता हूँ और आपके एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट प्रिपरेशन करवाता हूँ